Yeah, I'm not gonna lie to you kids, it's a fucking jungle out there. Keep your head on tight, unknown brain in mind me, baby, let's do it. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, am I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down, smoking high, am I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, get too strong when I battle with the beast, bring a few on, the commander and the chief for my crew on. Bullets rattling and whistle at your toque. Never sleep, eyes open, hands clutching on my throat. It's a war zone. It's a war zone. Yo, this a motherfucking war zone. Impact, yeah, break it open, leaving nothing fucking intact. Hey, yo, you been hacked. It's safe, hardened, but I found it, homie, been cracked. But ain't nothing inside. Hey, yo, we been back. Your band stacking, see you flexing with the thin stack. Flexing on that we on. Hey, bitch, you been whack. I kill them all, feel a motherfucking impact. Yo, this a war zone, homie, say you ready and prepare. Take a minute, make them aware. Well, I be sneaking in the back, but it's worth the clap, homie, life ain't fair. Caught me falling through the mud, with a vision saw I clearly. Born a shepherd to these sheep, make them fear me. This a war zone, trashed out, trap house, nothing ever given. Yeah, every day's a blessing, thank the Lord on how I'm living. See me riding with my top down, all cops round, pedal pressing on the gas. I don't think I'll ever stop. Time it is. Marvin Devine, Huber, Axel, and you know how we do. तो कैसे हैं आप लोग, स्वागत है सभी लोगों का आज के स्ट्रीम में। ग्रुप 25 से लेकर ग्रुप 28 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ग्रुप 25 का जो मैच है अनफॉर्चुनेटली हम लोग कवर नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग का इंटरनेट का लगा पड़ा था। और मैं आ चुका हूं आप लोगों के साथ इस बॉय रेज राइवल्स कप 2.0 में ऑर्गेनाइज बाय टीम नॉक एंड फिनिश में आ चुके हैं हम लोग। धीरे धीरे चलते चलते यहाँ पे डे 7 की तरफ। अच्छा डे 7 है, मैं थोड़ा अपडेट कर देता हूँ। अपडेट मेरा यहाँ पे थोड़ा बाकी रह गया है। डे 7 यप हो गया। मैं भी गाना काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ। ये वाला गाना काफ़ी पसंद है मुझको, बहुत अच्छा लगता है ये वाला गाना। सही है, तो हम लोग मैच की तरफ थोड़ी देर में बढ़ जाएंगे। तब तक गाना वाना सुन के आप लोगों से थोड़ा बात कर लेंगे हम लोग। फिलहाल जो जो लोग हम लोग के साथ अभी जुड़े
हैं और जो जो लोग हम लोग के साथ जुड़ने वाले हैं, सभी लोगों का सुस्वागत मैं करना चाहूँगा आज के स्ट्रीम पे। लाइव स्ट्रीम में हम लोग आ चुके हैं, लास्ट मैच कवर हो नहीं पाया क्योंकि इंटरनेट का लगा पड़ा था, तो हम लोग आ गए हैं इंटरनेट के साथ ही। और बहुत 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 एक्साइटेड हूँ आज के ग्रुप को कवर करने के लिए मैं, कि देखते हैं कौन सा टीम यहाँ पे चिकन डिनर लेके जाते हैं, कौन सा टीम क्वालिफाई यहाँ पे करते हैं। फिलहाल 30 प्लेयर्स ने ज्वाइन किया है जो हम लोग थोड़ा उन लोगों को दिखा देंगे और मैच की तरफ धीरे धीरे हम लोग बढ़ जाएंगे। डे 7 ग्रुप 25 से ग्रुप 28 के बीच हम लोग आ चुके हैं। 26 का मैच चल रहा है, ग्रुप नंबर 26 का, और आज देखते हैं क्या होता है सीन। गाने को कर देता हूं मैं बंद, मैच की तरफ हम लोग जाते हैं बढ़, और धीरे धीरे आज का जो दिन है हम लोगों के लिए नया सा दिन, नया सवेरा थोड़ा लगा पड़ा था, बट देखते हैं क्या होता है। अभी तक गाली नहीं दे रहा, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल से कंट्रोल करना पड़ रहा है गाली देने से, लाइक समझ रहे हो ना, गाली सबको ही आता है भाई, बट गाली से अगर सब्स और व्यूअर्स को पकड़ के रखूँ तो मैं घंटे का कास्टर हुआ। पानी भी पी लिया है, मैच की तरफ बढ़ेंगे। बहुत 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 वेट कर रहा था मैं आज का जो स्ट्रीम है उसके लिए, और इट्स योर बॉय रेज आप लोगों के सामने हूँ, और आज के मैच की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। थोड़ी देर में मैच स्टार्ट होने वाला है जो कि आप लोग देख ही रहे हो स्क्रीन पे। काफ़ी सारे टीम्स ने ज्वाइन किया है, छोटा लॉबी होने वाला है जो मुझको देख के यहाँ पे लग रहा है। आई गेस लाइक कुछ डिस्टॉर्शन का साउंड नहीं आ रहा होगा गाइस, अगर आ रहा होगा तो ज़रूर मुझको बता देना। जो जो लोग हम लोग को देख रहे हैं, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। डे 7 ग्रुप 25 से लेके ग्रुप 28 के बीच में हम लोग पहुंच चुके हैं। अब बहुत हो गया, टपा टप देना पड़ेगा भाई साहब। धोबी जो होता है ना, धोबी लोग जैसे धोते हैं, लिटरली धोबी पछाड़ बोलते हैं, वैसे धोने वाले हैं सब लोगों को। देखते हैं क्या होता है आज के मैच में। वेलकम लेंस और सुस्वागतम आपका भी और सभी लोगों का भी, जो जो लोग हम लोग को देख रहे हैं। बहुत बहुत वेट किया मैंने, सुबह से बैठा हुआ हूँ, कब नेट आएगा, कब हम लोग स्ट्रीम कर पाएंगे। नेट का तो लगा पड़ा था और जो ISP है वो भी लगा पड़ा है, कुछ कर नहीं सकते। मैच का स्टार्ट हुआ नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं एक बार टीम से पूछ लेता हूँ कि स्टार्ट कब किया जाएगा, कभी बग हो जाता है, मैं लॉबी पे ही रह जाता हूँ, तो देख लेता हूँ पूछ के, बग ना होने से ही हुआ। बग का तो बहुत गंदा सीन होता है। डे 7 ग्रुप 25 से लेके ग्रुप 28 के बीच में हम लोग आ चुके हैं और सुबह से एक रुकावट आ चुका है। देखते हैं और कितना रुकावट आता है। ब्रिंग इट ऑन, हम लोग हार नहीं मानने वाले, लगे पड़े रहेंगे। और मुझको इन्फो मिल चुका है 2-3 में स्टार्ट होगा, एक मिनट बाकी है स्टार्ट होने में। मैं पूछ लेता हूँ क्योंकि कुछ दिन बग हो गया था, और होपफुली अगर बग ना हो तो आराम से स्ट्रीम कर पाएंगे आज। आई गेस थोड़ा ट्विक किया था मैंने ऑडियो पे, तो आई गेस आज थोड़ा साउंड अभी सही आ रहा होगा गेम का, और मेरा भी वॉइस सही आ रहा होगा। अगर सही आ रहा है तो आप लोग मुझको चैट में बता देना। जो जो लोग हम लोग को देख रहे हैं, सभी लोगों का स्वागत करना चाहूँगा भाई साहब आज के स्ट्रीम में। ग्रुप 26 का मैच है, वापस बोलना चाहूँगा। ग्रुप 21 का 25 का हम लोग कवर नहीं कर पाए लाइव, बट उन लोगों का हम लोगों ने जो मैच था वो रिकॉर्ड किया है, तो बहुत जल्दी हम लोग उन लोगों का जो मैच है उसका जो रिकॉर्डिंग्स है वो हम लोग लाइक अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोग देख पाए आप लोगों का जो गेम प्ले है। और हम लोग कर नहीं पाए लाइव स्ट्रीम, बट फिर भी हम लोगों ने पूरा कोशिश किया है ताकि आप लोगों का जो सीन है मैच का वो हम लोग रिकॉर्ड कर पाए। शायद इन हाय, हेलो 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 हेलो, वेलकम 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 शायद, वेलकम टू अवर लाइव स्ट्रीम। आई होप यू लाइक, आई होप यू एंजॉय इट, एंड आपको बहुत अच्छे से मैं एंटरटेन कर पाऊँ। फुल ऑन ट्राई हार्ड मैं भी करूँगा, आप भी करना। पिंग, ओ भाई पिंग देख रहे हो आज, मतलब ओ भाई पिंग बढ़ गया वापस। पिंग का तारीफ करना ही नहीं चाहिए साहब, पिंग भी किसी का सगा नहीं होता, तो उनके जैसा हो गया। शाहिद भाई आपका टेक्स्ट मैंने पढ़ लिया है, और मैं बोलना चाहूँगा कि स्ट्रीम डिले रहता है तो थोड़ी देर बाद आप लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन होगा। जब डिले ख़त्म हो जाता है बेसिकली हम लोग आप तब मेरा इंटरेक्शन सुन पाओगे, तो रुकावट के लिए खेद है और क्या बोलूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 30 प्लेयर्स ज्वाइन कर चुके हैं लॉबी को, और यहाँ पे टपा टपा गपागप होने वाला है इस लॉबी में। ग्रुप 27 के पास हम लोग आ चुके हैं, ग्रुप 26 के पास हम लोग आ चुके हैं सॉरी, और डे 7 में हम लोग आ चुके हैं। पहला मैच है आज के दिन का स्ट्रीम का, देखते हैं मैच कैसा जाता है, देखते हैं मेरा कास्टिंग भी कैसा आता है, इंशाल्लाह अच्छा होगा। प्लेन को थोड़ा सीधा करेंगे और यहाँ पे हम लोग प्लेन पर थोड़ा चेक कर लेंगे, शूटिंग नहीं, रॉस ऑफ
शेल्टर मिल्टा फार्म और नोवो पे जाके खत्म हो रहा है। कोचिंग पे टीम ड्रॉप लेने वाले हैं आई गेस राजस्थान या लिपक का, ये सब साइड में आप लोग टीम को देख सकते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है पिंग बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के, पिंग बहुत कम है, 40 जैसा पिंग आ रहा है भाई। ऐसे पिंग में मुझे गेम खेलने को क्यों नहीं मिलते। और हम लोग देख रहे हैं फिलहाल धीरे धीरे सब टीम ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप देंगे। इनिशियल पे यहाँ पे टीम 14 जो है ARS का टीम, वो लोग यहाँ पे ड्रॉप लेते हुए जो हम लोग देख रहे हैं। जॉर्ज का जो बैक सीट है उस तरफ शायद वो लोग अटैम्प्ट करेंगे जाने का। टीम पर 23 टीम EBC को भी हम लोग देख रहे हैं कि ड्रॉप ले चुके हैं वो लोग। TNY का टीम भी ड्रॉप ले चुके हैं। मैं फिलहाल मैप पे नहीं जाऊंगा क्योंकि सिप टाइपिंग पहले भी लाइक कुछ लोग पूछ चुके थे, सिप टाइपिंग हो रहा है डिले के बाद भी, तो जितना हो सके मैप ना दिखाने का कोशिश करूंगा और आप लोग भी थोड़ा समझ जाना कि मैं क्यों नहीं दिखा रहा। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं, स्वागतम सभी लोगों का, और आपका होस्ट और दोस्त स्ट्रेज हियर। डे 7 में हम लोग ग्रुप 26 जो है उन लोगों का मैच कवर कर रहे हैं फिलहाल, और पहला स्ट्रीम दिन का। सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पर। रेड का टीम जो है वो लोग जा रहे हैं रेड करने, थोड़ा स्टैकअप होंगे फिर वो लोग आराम से यहाँ पे टप टप करेंगे जो हम लोगों को दिखेगा थोड़ी देर में। और फिलहाल रेंडर हो रहा है, और रेंडर के लिए, रेंडर का जो मुश्किल चल रहा है उसके लिए आप लोग डोनेट कर सकते हो। हम लोग का एलगाटो एक गोल है, उसके लिए डोनेट करने के लिए स्क्रीन के दिए गए नंबर पे आप लोग डोनेट कर सकते हो, या फिर आप लोग टेक्स्ट पे लिख सकते हो डोनेट और एक नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग टीम नंबर 8 को देख पा रहे हैं, उनके सामने टीम नंबर 70 जो है वो आर ड्रॉप का टीम है आई गेस, ये डी है ना, ORD का टीम है। अच्छा भाई मैं अंधा हो गया, चश्मा लगा के बैठना पड़ेगा। टीम नंबर 17 जो है ORD, वो लोग यहाँ पे आमने सामने टीम नंबर 8 के जो हम लोग देख पा रहे हैं S2K का टीम है। तो देखते हैं कौन सा टीम फाइट लेता है, कौन सा टीम ये फाइट जीता है, और कौन सा टीम इस पहले मैच में आज के दिन का यहाँ पे विनर चिकन डिनर लेते हैं। रोर में एक ब्रो वेलकम टू अवर स्ट्रीम ब्रो, सुस्वागत हम आपका। सब टीम्स को एक बार देख के आ जाएंगे हम लोग। और यहाँ पे टीम नंबर 8 को मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे यासना पे है फिलहाल, वो लोग थोड़ा बहुत लूट कर रहे हैं। 11 जो है टीम नंबर ORE UTC Flicks, वो लोग के टीम के दो बंदे यहाँ पे खेल रहे इस मैच में। रेंडर तो फिलहाल हो रहा है, रेंडर हो गया जल्दी जल्दी क्योंकि पिंग थोड़ा कम है। अच्छा लग रहा है ये फील लेके भी। हॉक और गल्स, ओ भाई ये सब नाम पढ़ के कितना मस्ती लगता है भाई। फ्लिक्स को एक बार देख लेता हूँ, फ्लिक्स और वो दोनों एक साथ ही है टीम टीममेट जो है। ARS के पास जाऊंगा एक बार ARS को देखने के लिए, सीन क्या है, सीन क्या है उन लोगों का। ARS जॉर्ज अब बैक सीट उतरे हुए हैं, कोई है नहीं। जोन को एक बार देख लूँ, और एक कस्टम का रजिस्टर कैसे करूँ ब्रो। फिलहाल के लिए टोर्नी चल रहा है और टोर्नी के लिए रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है अनफॉर्चुनेटली, बट हम लोगों का कस्टम स्टार्ट होगा टोर्नी के ख़त्म होते ही। आप हम लोगों का डिस्कॉर्ड और जो हम लोगों का डिस्कॉर्ड का लिंक है वो ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन का व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आप लोगों को जो हम लोगों के स्ट्रीम के रिलेटेड इन्फो होता है वो आप लोगों को दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग जो आने वाले कस्टम से टोनी है उस पे आप लोग रजिस्टर कर पाओगे। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग DM कर सकते हो हम लोगों को, अगर आप लोगों को ग्रुप और लिंक अगर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा हो, बट मिल जाएगा आप लोगों को। स्ट्रीम डिले है आई गेस आप लोग समझ पाओगे कि हम लोगों ने डिले क्यों किया है, और आप लोगों के साथ जो मेरा इंटरेक्शन है वो थोड़ी देर बाद होता है, तो थोड़ा सब्र करना। सभी के पास आऊँगा मैं, रुको ज़रा, सब्र करो, समझ रहे हो ना, मैं आ जाऊँगा सभी लोगों के पास, बस आप लोग थोड़ा सब्र करना। सब लोगों का ही रिप्लाई करता हूँ मैं, जितने लोगों का चैट्स दिखते हैं मुझको। मैच की तरफ थोड़ा ध्यान रहता है मेरा जब फाइट चल रहे होते हैं, बट उसके बाद आप लोगों के पास मैं आ ही जाता हूँ क्योंकि आप लोग प्यार हो मेरे, आप लोगों को बदौलत ही हम लोग यहाँ तक हैं और भी आगे जाएंगे। अगर आप लोगों ने चाहा तो जल्दी जल्दी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोको। हेलो ब्रो, कैसे ब्रो, रोर थोड़ा सब्र करो ब्रो, आने वाला है आपका टॉपिक में, आने वाला हूँ। स्ट्रीम डिले है तो आपको बार बार बोल रहा हूँ, सभी लोगों को बोल रहा हूँ स्ट्रीम डिले आई गेस आप लोग थोड़ा समझना, और उससे ज़्यादा मैं कुछ और बोल नहीं सकता। TNY को देख सकते हैं हम लोग, 17 ORD जो है उन लोगों को देख के हम लोग आ चुके हैं। यासना पे है टीम नंबर 8 के साथ, वो लोग ड्रॉप लिया था उन लोगों ने, फिलहाल रेंडर हो चुका है और आज थोड़ा गले का हाल सही है। स्टीम करके अच्छा लग रहा है, गला थोड़ा साफ साफ लग रहा है। अपार्टमेंट्स के यहाँ पे जो टीम नंबर 18 है TNY का टीम जो हम लोग देख सकते हैं फिलहाल, वो लोग स्टैकअप हो रहे हैं। फ्लेयर वो लोग मंगवा चुके हैं, जैप को मैं देख पा रहा हूँ उनके सामने ही, फ्लेयर का उन्होंने ड्रॉप मंगवाया है, वो लोग थोड़ा स्टैकअप होंगे अभी फिलहाल। थोड़ा सब लोग थोड़ा पैसिव अप्रोच लेंगे मैच की तरफ क्योंकि टीम्स कम है, थोड़ा आराम से खेल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। लास्ट टीम जो है इस ग्रुप में, नहीं सेकेंड लास्ट जो है, उन लोगों को हम लोग देख के आ जाएंगे। मिलिट्री और नोवो पे वो लोग स्प्लिट खेल रहे हैं फिलहाल के लिए, थोड़ा स्टैकअप होने का
चांस देंगे, थोड़ा से स्टैकअप होकर फिर वो लोग आराम से मैच की तरफ बढ़ेंगे। समुराई को मैं देख पा रहा हूँ कंटेनर शूट कर रहे हैं नोवो का, आराम से सेक्सी लग रहा है मेरा भाई यहाँ पे। और समुराई ब्लेज को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे फिलहाल की सीसी नोपिन, उन टीम का नाम है भाई। 12 वाला मैच का वीडियो कहाँ है भाई? 12 वाला मैच कौन सा 12 ब्रो? ग्रुप 12 बोल रहे हो क्या आप? ग्रुप 12 का मैच का वीडियो रहेगा स्ट्रीम पे। कुछ वीडियोस पे कॉपीराइट का कुछ इशू था तो वो सब ट्रिम कर दिया गया है, और सब टीम्स के जितने भी मैचेस कवर किए गए हैं वो सब वहीं पे है, आपको मिल जाएगा। 21 टीम का नाम है ना कार्टून क्लैन क्लैन, अच्छा उन लोगों का टीम का नाम कार्टून है, तो टीम सीसी है वो लोग, टीम कार्टून क्लैन उन लोगों का नाम है। टीम पीबीसी उन लोगों का भी नाम एक बार चेक कर लेता हूँ। एक कस्टम कब खत्म होगा ब्रो? ब्रो ये टोर्नी तो बहुत लंबा तक चलने वाला है, सितंबर का अप्रॉक्स 20 तक ख़त्म हो जाएगा। जो मैप का रोड, जो इस टूर्नामेंट का रोड मैप है वो मेरे पास अभी फिलहाल है नहीं, मैं डे बाय डे जा रहा हूँ क्योंकि रोड मैप देखूंगा तो पागल हो जाऊंगा, इतना कास्ट करना पड़ेगा सोच के। तो फिलहाल मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो आप हम लोगों का जो डिस्कॉर्ड है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई मॉड्स है यहाँ पे तो प्लीज़ व्हाट्सएप और डिस्कॉर्ड का लिंक उनको प्रोवाइड कर दीजिए, उनको ज्वाइन करने दीजिए ताकि हम लोग वो आ पाए, हम लोगों को हम लोगों के साथ खेल पाए बाद में। फिलहाल तो वो कर नहीं पाएंगे, तो प्लीज़ मॉड्स अगर आप लोग है तो दे देना। सर मेरा मैच तो ख़त्म हो गया पर आपका कॉमेंट्री सुनने के लिए आता हूँ अभी मैं। ब्रो क्या बताऊँ, मैं लिटरली सुबह से वेट कर रहा था गेम खोल के कब नेट आएगा, आप लोगों के साथ मैं जुड़ पाऊँगा, नेट था नहीं, मैं आया हूँ। और ये जो बात आपने बोला है ना, लिटरली मेरा दिल खुश कर दिया यार, दिन बना दिया। जो भी थोड़ा बहुत बुरा टाइम चल रहा था सुबह से, उसको आपने पूरा लाइक रिकवर कर दिया इस बात से। और मैं बोलना चाहूँगा थैंक्स यार लाइक आने के लिए। जो जो लोग लाइक जिन लोगों का मैच ख़त्म हो चुका है वो लोग आ रहे हैं, हम लोग को देख रहे हैं और थोड़ा टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोगों के ऊपर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दिल से सब लोगों को शुक्रिया। सभी लोगों का सुस्वागत हम करना चाहूँगा मैं। ऐश भाई कोई स्क्वाड है हो कॉम्पिटिटिव और कस्टम खेलते हो? कोई स्क्वाड है तो जो, अच्छा कोई स्क्वाड है जो कॉम्पिटिटिव और कस्टम खेलते हो, शायद ये आपने बोला हो, समझ नहीं आ रहा मुझको। ऐश आप वापस अगर लिख पाओ तो अच्छा होगा, ऐश आपका बात समझ पाऊँगा मैं, सॉरी आपका समझ नहीं पा रहा। लड्डू गेमिंग ब्रो शाउट आउट, लड्डू शाउट आउट टू यू ब्रदर, बहुत सारा प्यार आपको, वेलकम टू अ स्ट्रीम, थैंक यू जुड़ने के लिए। कस्टम कब खत्म होगा ब्रो? ब्रो आपका बात का आंसर मैं दे चुका हूँ, कस्टम बहुत कस्टम नेट टोर्नी चल रहा है, बहुत लंबा तक चलेगा। फिलहाल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, मैच की तरफ मैं बढ़ूंगा, रोजो के यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं टीम ईबीसी जो है वो लोग यहाँ पे आमने सामने जो है टीम टीएनवाई के टीम स्लॉट नंबर 18 पे जो दो बंदे यहाँ पे है टीम 23 जो है उन लोगों के टीम ईबीसी का, बाकी दो बंदे कहाँ पे थोड़ा देख लूंगा मैं। सब लोग एक ही जगह पे ना, जब सब लोग एक ही जगह पे, उन लोगों को पता है कि रोजो का जो यहाँ पे रोजो का जो हिल है बेसिकली यहाँ पे एक स्क्वाड पहले से है, तो कुछ भी एग्रेसिव अप्रोच नहीं ले रहे हैं। 8 स्क्वाड्स हैं यहाँ पे जो हम लोग देख सकते हैं, तो पोजीशनिंग जो है वो काफ़ी इजी हो सकता है हर किसी टीम के लिए अगर थोड़ा पैसिव अप्रोच ले। सब लोगों को स्पेक्टेट करने के यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है, स्काउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और चाहे वो लोग यहाँ पे बैक ऑफ कर लेंगे जो उनको लग रहा है। टीम टू 18 को मैं देख सकता हूँ, सेंटिनल को भी गाड़ी पे चढ़ना पड़ेगा और जाना पड़ेगा अपनी टीम के साथ। तो बात नहीं छूलेगा, टीम 21 जो है सीसी का टीम, कार्टून का टीम जो था उन लोगों का टीम का नाम कार्टून क्लैन आई गेस, तो उन लोगों को आना पड़ेगा जूम में, वो वही लोग से बाहर है। ये वाला सर्कल जो है हमने अभी तक इस मैप में काफ़ी बार देखा हुआ है, मैं बोल ही रहा था सब टीम्स के लिए, जो जो लोग लाइक देख रहे हैं उन लोगों के लिए बोल रहा था कि आप लोग अगर मैच है भी नहीं तो भी अगर आप लोग देखोगे तो मैच का जो जब मैं मैप दिखाता हूँ सर्कल प्रेडिक्शन करना आप लोगों के लिए इजी हो सकता है, क्योंकि पबजी का जो सर्कल का पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, 9 out of 10 टाइम्स पूरा लाइक सेम ही रहता है। तो पैटर्न अगर आप लोगों ने याद कर लिया, जिन लोगों को अभी तक याद नहीं वो लोगों ने अगर याद कर लिया तो उन लोग लाइक लिटरली फाड़ सकते हैं मैच में, जब उन लोगों का मैच रहेगा तो आप लोगों के लिए भी एक काफ़ी अच्छा चांस रहेगा। पेड कस्टम है क्या ब्रो? टूर्नामेंट में तो प्राइस मनी है, कस्टम नहीं है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, बट कस्टम जब हम लोग का रहता है तो वो पेड नहीं रहता, फ्री कस्टम रहते हैं। T1, T2, T3 के कस्टम्स हम लोग होस्ट कर रहे हैं फिलहाल के लिए, T1 की तरफ भी हम लोग जाएंगे, और T2, T3 कस्टम्स अगर आप खेलना चाहो तो ज़रूर आ सकते हो, आपका सुस्वागत है मैं उसमें। और मॉड्स अगर आप लोग हो तो प्लीज़ लिंक प्रोवाइड कर दीजिए उन लोग उनको, सब लोग एक बार लिंक प्रोवाइड कर दीजिए, बहुत 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 आसान होगा मेरे लिए थोड़ा।
12 एंड 1 वाला मैच का वीडियो किधर है? यूपी डेविल गेमिंग ब्रो, जितना भी बिट्स आप बोल रहे हो वो सब बिट वहीं पे होगा। मैं आई गेस नंबर मैच से था 15, आई गेस मैच नंबर 15 से मैं आया था स्ट्रीम करने वापस। तो मुझे अगर आप उसके बाद के बारे में पूछोगे तो वो सब यहीं पे है। और संदीप अगर आप यहाँ पे हो तो मैं बोलना चाहूँगा जो हम लोगों को व्हाट्सएप का रजिस्ट्रेशन का ग्रुप है उसका लिंक आप फ्री प्रोवाइड कर दीजिए। ओके डेविल आपके पास वापस आता हूँ मैं। बात यह है कि पहले जो कास्टर्स कास्ट कर रहे थे, जो स्ट्रीम कर रहे थे चैनल के लिए, मैंने कल चेक किया, इस मैच से पहले भी मैंने चेक किया स्ट्रीम करने से पहले, सब लिंक्स सब मैचेस वहीं पे है, बस नंबर जो है वो दिया गया नहीं है कौन सा ग्रुप का मैचेस चल रहे हैं, कौन सा ग्रुप का मैचेस चल रहा है तो आपको पता नहीं, मतलब वो उससे आपको समझ में नहीं आएगा। बट मैं बोलना चाहूँगा कि आप एक बार चेक कर लीजिए और आई गेस आपको समझ में आ जाएगा कौन से टीम का लाइक मैचेस चल रहे हैं और कौन से ग्रुप का मैच आप ढूंढ रहे हो वो मिला, कौन सा ग्रुप में मतलब कब है कब नहीं हुआ वो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा आपको चेक करना पड़ेगा ब्रो। और इस मैच के बाद लाइक आज के स्ट्रीम के बाद मैं लाइक सब मैचेस जो जितने भी ग्रुप्स के मैचेस हुए थे उनके मैचेस के बारे में अपडेट दे दूंगा, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा मैं। तो इसके लिए अगर आप लाइक आज रात को वापस अगर आप आए चेक करने के लिए तो सब अपडेट्स आपको मिल जाएगा कौन से ग्रुप का मैचेस कब था कब नहीं, ना मेरा वादा रहा आपसे। नहीं भाई ये पेड नहीं है, ये एक टूर्नामेंट है, इसका रजिस्ट्रेशन पहले ही हो गया। रुद्र प्रताप थैंक यू ब्रदर, थैंक यू चैट को थोड़ा रिस्पॉन्स करने के लिए। शायद ही ना, हेलो ब्रो रूम आई डी नेवर, समझ नहीं आया शायद वो पाई। अरे भाई ये मतलब भाई के बोल रहा हूँ, मुझे स्क्वाड की ज़रूरत है, कोई हो तो बताओ जो कॉम्पिटिटिव वो कस्टम खेलते हो। अच्छा 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 उसको रिलेटेड जो एक बात है मैं बोलना चाहूँगा, आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लीजिए हम लोगों का। और डिस्कॉर्ड पे जो सीन है, डिस्कॉर्ड पे काफ़ी सारे टीम्स रहते हैं, काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं, तो डिस्कॉर्ड से अगर आप लाइक इंटरेक्ट करना चाहो किसी से और पूछ सकते हो डिस्कॉर्ड पे चैट में या फिर लाइक जो हम लोग का ग्रुप्स है उसमें आप पूछ सकते हो कि लाइक अगर किसी के यहाँ पे स्लॉट है या फिर कोई टीम अप करना चाहता है खेलने के लिए फ्यूचर टॉर्नी या कुछ, तो आपको आगे आई गेस टीममेट्स मिल जाएंगे तो वो ट्राई कर सकते हो आप। उसी रीज़न के लिए हम लोगों ने डिस्कॉर्ड रखा हुआ है। लड्डू गेमिंग प्रो शाउट आउट दे दिया है आपको लड्डू, वेलकम टू अवर स्ट्रीम, शाउट आउट टू यू ब्रदर, लॉट्स ऑफ लव टू यू। कस्टम रजिस्ट्रेशन होगा ना यब कस्टम में रजिस्ट्रेशन होगा। और लास्ट जब हम लोग कस्टम्स कर रहे थे तो टॉप 14 टीम जो क्वालिफाई करते थे पहले दिन से वो लोग लाइक नेक्स्ट दिन ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाते थे नेक्स्ट दिन के कस्टम्स के लिए। एवरीडे कस्टम्स करवाते हैं हम लोग बाय द वे, बोलना चाहूँगा आपको। और जितने भी लोग हम लोग को देख रहे हैं स्वागत है। हम लोग तो तीन फेजेस में मैं मैच को बांटता हूँ, फर्स्ट फेज मिड फेज और लास्ट फेज। तो यहाँ पे फर्स्ट फेज में हम लोगों को कुछ अर्ली फाइट देखने को नहीं मिले, जोन शिफ्ट होता हुआ जो मैंने मुझे लग रहा था जोन गंदा वाला शिफ्ट होगा। और यहाँ पे मिड फेज स्टार्ट हो चुका है, मिड फेज में यहाँ पे टीम नंबर 17 के सामने टीम नंबर 5 जो है रेड का टीम लोगों के सामने से आता हुआ और यहाँ पे कुछ शॉट्स आते हुए रावण को मैं देख पा रहा हूँ। रावण यहाँ पे बच के निकलते हुए शायद हाई ग्राउंड लेंगे यहाँ पे और कुछ शॉट्स वो लोग लेंगे। ORDB को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कुछ शॉट आता हुआ यहाँ पे ब्रॉली के तरफ से आशु के ऊपर और राइनो यहाँ पे क्रैश हो गया है, व्हीकल उनका क्रैश हो गया है और यहाँ पे राइनो के ऊपर वो लोग शॉट्स ले सकते हैं, राइनो को यहाँ पे नॉक कर सकते हैं बट ये चांस वो लोग मिस करते हुए एम गॉड जो है वो जाते हुए आराम से यहाँ पे टैप कर रहे हैं यहाँ पे M16 से ब्रॉली को मैं देख पा रहा हूँ बट कनेक्ट नहीं होता हुआ यहाँ पे बच के निकलते हुए टीम नंबर 5 थोड़ा लक फेवर करता हुआ यहाँ पे उन लोगों को। टीम नंबर 17 जो है अर्ली किल्स लोगों के नसीब में आ नहीं पाया, टीम नंबर 5 की तरफ हम लोग जाएंगे, थोड़ा चैट भी पढ़ लेंगे। पोपाई मेरा चुतिया दोस्त लोग टाइप कर दिए भाई, माफ करना गाली नहीं देना चाहता था ब्रो, इट्स ओके आपने क्लेरिफाई कर दिया, थैंक यू उसके लिए। और इट्स ओके आपके दोस्त लोगों को भी स्वागत है हम लोगों के स्ट्रीम में, आपको भी स्वागत है। और दोस्त लोगों को बोलिए कि टाइप करने के बजाय गाली देने के बजाय उसको शेयर कर दे स्ट्रीम को, ताकि लाइक जितने लोग हैं आप लोग के दोस्त के ग्रुप में या फिर फैमिली के ग्रुप में या किसी के भी ग्रुप में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिसको मन करे आप लोग कर सकते हो, क्रश को भी कर दो क्या पता वो पड़ जाए, यहाँ पे प्रपोज भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइक आप लोग शेयर जरूर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यश लेविटेबल ई स्पोर्ट्स को ज्वाइन किया है, ओके ब्रो वहाँ पे भी हो जाएगा यश, हम लोग उन लोगों के साथ ज्वाइन कोलाब कर रहे हैं, जो लेविटेबल ई स्पोर्ट्स है उन लोगों के साथ हम लोगों का डिस्कॉर्ड कोलाब किया हुआ है।
तो वहाँ पे भी आपको इन्फो मिल जाएगा। थैंक्स ज्वाइन करने के लिए। एफ सी गेमिंग शाउट आउट टू एफ सी गेमिंग ब्रो, माई बेस्ट विशेस टू योर टीम। और देखते हैं लड्डू गेमिंग ब्रो, लड्डू नहीं ओ भाई लवड़ू गेम भाई साहब, अच्छा लवड़ू गेम आपको शाउट आउट ब्रो, शाउट आउट टू यू ब्रदर लवड़ू भाई, ऐसे नाम रखते हैं शाउट आउट देने में लाइक लिटरली हंसी आ जाता है। मैंने लाइक देखा नहीं, लोगो मुझको चश्मा लगाना पड़ेगा, मुझको समझ में आ रहा है, मैंने चश्मा रखा हुआ ही है, चश्मा लगाना पड़ेगा, अंधा हो गया मैं, मुझको समझ में आ चुका है। तो यहाँ पे फिलहाल सिर्फ टीम नंबर 8 है S2K जो है, वो लोग यहाँ पे आराम से लाइक बिंदास चिल मार रहे हैं, चाय कॉफ़ी सब कुछ पी रहे हैं, ड्रिंक्स विंक्स भी लेंगे आराम से। फिलहाल थोड़ा पैसिव अप्रोच सब टीम्स का, जो लोगों ने लॉबी ज्वाइन किया इस मैच में सभी लोग अभी तक जिंदा है। तो लास्ट जो लेटा हाफ होगा मैच का, उसमें हम लोगों को फाइट तो भाई देखने को जो मिलेगा उसमें मज़ा आने वाला है भाई साहब, बहुत तबाही होगा, बहुत 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 ज़्यादा तबाही होने वाला है लास्ट हाफ में। मैं तो उसके लिए वेट कर रहा हूँ कब तबाही होगा, कौन किसको बजाएगा देखना पड़ेगा, डब्बा कौन किसको बनाता है, कौन मिनो मिना चिकन डिनर लेके जाता है देखना पड़ेगा हम लोगों को। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हो टीम नंबर 23 है, EBC का टीम है वो लोग, धीरे धीरे टीम नंबर 18 जो है उन लोगों के पास जाते हुए, टीम नंबर 18 के POV से मैं देखना चाहूँगा कुछ साउंड आया क्या, वो लोग फिलहाल क्या थोड़ा एक्टिव है, उन वो लोग क्या थोड़ा केयर कर रहे हैं कि कोई हम लोग यहाँ पे आ सकता है। TNY का टीम है जो हम लोग देख पा रहे हैं, ड्रोन भी मैं एक बार जाऊँगा मैं देखने के लिए क्या सीन चल रहा है यहाँ पे, पहाड़ी चढ़ चढ़ के वो लोग आ रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे टीम नंबर 23 आ चुके हैं जो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे उन लोगों के सामने, टीम नंबर 18 थोड़ा डिस्टेंस है यहाँ पे। सेंटिनल को मैं देखना चाहूँगा, सेंटिनल काफ़ी उन लोग उनके पास हाइट है, क्या वो स्काउट करके ले पाते हैं किसी को, बंदे को देख पाते हैं कि कौन कहाँ पे है कहाँ पे, क्योंकि पूरा आराम से यहाँ पे टीम नंबर 23 उनके सामने से जाता हुआ, शॉट्स आने का वेट कर रहा हूँ मैं। ज्यूस यहाँ पे शायद स्पॉट कर चुके हैं, ज्यूस यहाँ पे स्पॉट कर चुके हैं, अपने टीम को इन्फो दे चुके होंगे कि यहाँ पे बंदे हैं। आप थोड़ा देखो बैक स्टफ ही देख रहे हैं आई गेस, स्काउट करके देख रहे हैं यहाँ पे जैप, बहुत दूर तक शॉट लेते हुए किसको मार रहे हो भाई, व्हीकल को स्पॉट हुआ था भाई यहाँ पे सेंटिनल भाई मजे लेते हुए दरवाजे का। टीम नंबर 23 की तरफ हम लोग जाएंगे, गन साउंड उन लोग को आ चुका है अभी, वो लोग को पता है कि यहाँ पे बंदे हैं, वो लोग ले सकते हैं अगर वो चाहे तो। हर्ष अग्रवाल ब्रो क्या हम फिर से क्वालिफायर राउंड खेल सकते हैं क्या? अरे यार आप लोग डिस्क्वालीफाई हो गए, अरे यार कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अगर वापस जो री एंट्री का सिस्टम है वो हम लोगों ने नहीं रखा है क्योंकि टूर्नामेंट बहुत बड़ा हो जाएगा, 800 टीम्स जितना तक मुझको इन्फॉर्म किया गया था। आप सोचो खुद कि 800 टीम में से अगर कुछ टीम्स वापस खेलना चाहे तो कितना कितना मुश्किल होगा हम लोगों के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें तो हो नहीं पाएगा, बट आप हम लोगों का कस्टम्स जो है फ्यूचर टूर्नी के लिए आप लाइक डिस्कॉर्ड ज्वाइन करके रह सकते हैं, उसमें आप लोग खेल पाएंगे, बट ये वाला टूर्नी पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा ब्रो, सॉरी ब्रो सॉरी हर्ष। और आप मैं बोलना चाहूँगा आपका और मेरा नेम जो है सेम ही है, लास्ट में मेरे नाम का बस ए लगा हुआ है, और वेलकम ब्रदर, वेलकम टू अ स्ट्रीम एनीवे, और सॉरी रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाएगा बट कस्टम्स और नेक्स्ट टूर्नी आप लोग खेल पाओगे। मैच की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए हम लोग मिड हाफ चल रहा है, मिड फेज चल रहा है, और यहाँ पे जोन स्ट्रिक होता हुआ सब टीम सभी क्लस्टर होने वाला है, पार्ट हम लोग को एक दिखने वाला है जो को लग रहा है। यहाँ पे एक रोटेशन हम लोग देख पा रहे हैं TNY के टीम के तरफ से, प्यारा सा रोटेशन आता हुआ, बट बैक स्टेप के लिए उन लोगों को सोचना पड़ेगा क्योंकि टीम नंबर 23 को वो लोगों ने जाने दिया और वो लोग यहाँ पे उन लोगों को बैक स्टेप कर सकते हैं। उनके सामने से टीम नंबर 11 जो है वो लोग जाते हुए ऑर्गाजम को मैं देख पा रहा हूँ, फ्लिक्स को मैं देख पा रहा हूँ, टू मैन वो लोग खेल रहे हैं, तो हम लोग देख पा रहे हैं उन दोनों, सब लोग व्हीकल लेके आराम से जा रहे हैं, कोई किसी के ऊपर टेंशन नहीं है, छोटा ग्रुप है आराम से टाइम लेके खेलेंगे। वेयर हाउस में क्रैश करते हुए भाई गाड़ी को डैमेज पड़ता हुआ थोड़ा बहुत, यहाँ पे स्पॉट हो गया यहाँ पे फ्लिक्स को, तो मैं देख पा रहा हूँ भाई सब लोग गाड़ी को टक्कर क्यों मार देते हैं, सोचे यहाँ पे मर्सिडीज दिया हुआ तो अपने पैसे से गाड़ी खरीदना पड़ेगा, ऐसा सीन होता है, हर कोई प्यार से गाड़ी को रखता है, सब फ्री का है तो कुछ भी करोगे का। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं काला काला प्लेन जाता हुआ ड्रॉप यहाँ पे छोड़ता हुआ, शायद ये जो टीम है टीम नंबर 18 आई गेस वो लोग ये ड्रॉप के लिए जाने वाले हैं, और क्लस्टर होता हुआ मैच का ये जो हाफ है इधर थोड़ा भाई मेरा गला गया था बीच में, तो यहाँ पे ये जो हाफ है मैच का इस हाफ पे थोड़ा यहाँ पे क्लस्टर होता हुआ, लेटर हाफ में लास्ट हाफ में मैच की तरफ हम लोग आ चुके हैं। मैप का व्यूज मैं जाना चाहूँगा क्योंकि स्ट्रीम टाइप नहीं होने देना है, और जितने भी लोग देख रहे हो भाई साहब आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठोक दो यार लाइक फ्री में ही है, पैसा वैसा खर्च करना नहीं पड़ता, और दस आप कर सकते हो। और यहाँ पे क्रेटोस वाइटिंग
भाई बहुत प्यार दिखा के जाते हुए गाली देके, आपको शायद ये चीज़ पता नहीं कि आपको टाइम आउट कर सकता हूँ जितना ज़्यादा कर सक करना चाहूँ मैं। S2K का हम लोग एलेक्स को देख पा किलफिट में देख पाए थे कि उन्होंने एक नॉक निकाला है। एलेक्स के यहाँ पे जाना चाहूँगा मैं, यप आ चुका हूँ एलेक्स के यहाँ पे। वो लोग यहाँ पे फाइट लेते हो टीम नंबर 21 जो है उन लोगों के साथ, आमने सामने दोनों टीम से एक नॉक निकाल दिया था बट रिवाइव उनको मिल जाएगा। एलेक्स यहाँ पे FPP पे वो थोड़ा स्कोपिन कर रहे हैं, अभी वापस TPP पे आए हैं, क्या सीन करते हैं वो देखते हैं। एक नॉक निकाल दिया था बट रैप मिल चुका होगा उनको। बहुत प्यारा प्यारा ये लॉबी बनने वाला है और बहुत प्यारा प्यारा ये सब फाइट हम लोग को देखने वाले हैं। कल दो मैचेस हम लोगों को यहाँ पे दिखा है, सेम जोन बनता हुआ, सेम जोन कटता हुआ और सेम यहाँ पे एक प्ले हम लोगों ने देखा था। इधर से एक स्क्वाड आया था, फ्रैग फ्रैग का मैच चला था और लास्ट में भाई जो घमासान युद्ध हुआ था बोलने मतलब देखने लायक था वो। यहाँ पे जेपियन जैप को मैं देख पा रहा हूँ, जैप यहाँ पे उजी और MK हाथ पे लिए हुए हैं। MK को वो DMR और AR के जैसे यूज़ कर सकते हैं, वो टैब्स भी कर सकते हैं, ऑटो में भी चला सकते हैं, उनका मर्जी, देखते हैं क्या करते हैं। बट अगर भैया ने ले पाए मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 टीम्स बचे हुए हैं जो हम लोग देख रहे हैं, 30 प्लेयर्स अभी तक लाए हुए हैं। कुछ सीन हम लोग को अभी तक देखने को मिला नहीं है, एक बस नॉक हम लोग को देखने को मिला था। सब टीम्स थोड़ा पैसिव अप्रोच ले रहे हैं और जाहिर सी बात है कि पैसिव अप्रोच लेना ही ज़्यादा बेटर होगा। पोजीशन जो है टॉप 5 में आना काफ़ी ईजी हो सकता है, लास्ट हाफ में तो किल्स मिल ही जाएंगे। सब टीम अभी भी स्कैटर्ड है, रोजों के यहाँ पे टीम 11 अभी भी है जो हम लोग देख पा रहे हैं। कोई कुछ भी अप्रोच नहीं ले रहा मैच की तरफ। नॉइस नॉइस रेड एम गॉड राइनो आशु आशु भाई रावण, एक बहुत पहले एक भैया का स्ट्रीम था जिनका स्ट्रीम मैंने जिसका स्ट्रीम में मैंने पबजी मोबाइल इम्यूलेटर सबसे पहले देखा था, मुझे याद है। उनके यहाँ पे एक आशु भाई थे, मुझे याद है मॉड उनका, बहुत प्यारे थे। और S2K देख रहे हैं वॉल खेल रहे थे, अभी रोटेशन आने वाला क्यों उनको मिला नहीं है। उनकी तरफ सब टीम सभी रोटेट करने का कोशिश करेंगे, पहले से कोई बैठा हुआ तो स्टैप कर दे भाई। स्लॉट 21 को दिखाओ ना। ओके ब्रो सीसी रेंडर होने थोड़ा टाइम लगेगा, ऑब्वियस बात है, आई होप आप समझ पाओगे वेलकम टू द हैनी। और यहाँ पे जो टीम 21 है जिनको आपने दिखाने के लिए बोला है, आउटिस ने यहाँ पे गाड़ी को स्लैम कर दिया और यहाँ पे एक प्यारा सा स्प्रे आता हुआ ऑर्गाजम शायद यहाँ पे जा सकते हैं। फ्लिक्स को सैमुराई गॉड ने यहाँ पे नॉक कर दिया जो हम लोग देख पा रहे हैं। ऑर्गाजम यहाँ पे एक अलग एंगल पे बैठे हुए हैं, सैमुराई गॉड का यहाँ पे एक पुश आ रहा है। सैमुराई गॉड के POV से मैं देखना चाहूंगा क्या सीन वो करते हैं। और बैकअप आ चुका है यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, ऑर्गाजम सिर्फ सोलो बचे हुए हैं, नॉक एंड फिनिश कर दिया गया है यहाँ पे। टीम नंबर 11 के सोलो बंदे बचे हुए यहाँ पे, टीम नंबर 21 के पास एक एडवांटेज आता हुआ, दो किल्स उनको इजीली मिल सकता है। आउटिस के पास काफी अच्छा एक स्पॉट था, ब्लेज ने यहाँ पे ले लिया। इसी के साथ जो ये स्क्वाड है वाइप होता हुआ टीम नंबर 11, अभी थोड़ा स्टैकअप हो जाएंगे, दो किल्स अपनी झोली में लेते हुए। बहुत ही प्यारा यहाँ पे गेम प्ले हम लोग उन लोगों का देख पाए। सैमुराई ब्लेज के पास एक किल, गॉड के पास एक किल, एम गॉड यहाँ पे एक नॉक निकालते हुए जो हम लोग देख रहे हैं। एम गॉड को यहाँ पे नॉक एंड फिनिश कर दिया गया है, इंस्टा किल उनको कर दिया गया है। टीम नंबर 5 जो रेड का है उनको वो लोग एक बंदा खोता हुआ, और यहाँ पे टीम नंबर 8 जो है S2K वो लोग आमने सामने भिड़ते हुए टीम नंबर 5 के अगेंस्ट। रेड बनते S2K का एक फाइट, रावण के ऊपर यहाँ पे एक मॉली आता हुआ, प्यारा सा एक नेट आता हुआ, यहाँ पे फ्यूरी जा सकते हैं इस नेट के साथ और नेट का काफी डैमेज पड़ता हुआ उनके ऊपर जो हम लोग देख पाए। एलेक्स को मैं देखना चाहूंगा, वो थोड़ा यहाँ पे बॉल में करके बैठे हुए हैं। आशु भाई को मैं देख लूंगा एक बार, आशु भाई के POV से क्या सीन चल रहा है। नेट्स को पे नेड आ रहा है, काफी एक सेंसिबल ऑप्शन यहाँ पे एलेक्स के ऊपर ब्रेक हो सकता है और एलेक्स को यहाँ पे नॉक करते हुए स्कारेल से आशु भाई, बहुत ही प्यारा धागा खोल दिया यहाँ पे। डब्बा बनने का चांस यहाँ पे है टीम नंबर 8 के ऊपर, फ्यूरी के ऊपर MK से लिया था, एक टैप लिया था बट ओ भाई 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 ये मजा आ गया देख के। लाइक यहाँ पे उनके स्क्रीन पे दिखाया एक टैप किया आयरन मैन को उन्होंने लिया, बाकी बैक स्टैप आके कर दिया जो बाकी उनके टीममेट्स थे। और ट्रेड के साथ उन लोगों ने 4 किल्स, पूरा स्क्वाड को वाइप करके 4 किल्स अपने झोली में ले लिया है। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा गेम प्ले हम लोगों ने देखा। यहाँ पे जो रेड का टीम था, जोन बहुत गंदा कटता हुआ सबका लेने वाला, ये जोन आर पार लाइक क्या बोलो आर पार फाइट होने वाला। ये तो यास्ना या रोजोक ये तो आइलैंड पे फाइट होने वाले हैं जो मुझको देख के लग रहा है। फिलहाल के लिए टीम 18 के पास ही वापस जाऊंगा मैं। टीम नंबर 21 को दिखा दिया है मेरे भाई पोपाई। पोपाई आप ये टूर्नामेंट खेल चुके हो क्या? क्योंकि पोपाई नाम के दो बंदे मुझको मैं जब कास्ट कर रहा था दो बंदे मुझको दिखे थे। अगर आप हो स्वागत आपका, और अगर आप हो तो कन्फर्म कर देना कि बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग मतलब आप लोगों का मैच हो भी गया है फिर भी आप आके देख रहे हो। अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं,
टीम नंबर 21 का जो टीम नंबर 14 है आई गेस 21 और 14 का एक फाइट वहां पे छिड़ चुका है जो हम लोग बोल रहे थे। आउटिस ने यहां पे मारूफ को नॉक कर दिया जो हम लोग देख रहे हैं अलग पोजी पे जाते हुए ब्लेज, बट उसके लिए थोड़ा खतरा हो सकता है। आउटिस के पीओवी से मैं देखना चाहूंगा सीन क्या है उनके यहाँ पे। सैमुराई का जो टीम है टीम नंबर 21 जो है जिनके सपोर्टर हम लोग देख पाए थे यहाँ पे पॉपाई भाई को सेंटिनल ने एक नॉक निकाल दिया। सेंटिनल को मैं देखना चाहूंगा क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। टीम नंबर 8 के सेंटिनल है TNY टीम के, ज्यूस के पास जाऊंगा। ज्यूस थोड़ा डैमेज लेते हुए काफी शॉट्स उनके ऊपर आते हुए हील करना पड़ेगा। मैट के यहाँ पे मारते हुए वो भी हेमंग नूप भाई भी यहाँ पे लाइक हील किया उन्होंने। जैप यहाँ पे स्काउट करके देखते हुए कि कोई बंदा उनको अगर स्पॉट होता है तो टीम नंबर 17 थोड़ा मुश्किल यहाँ पे पैदा करता हुआ। ORDB का जो टीम है ORDB के पीओवी से मैं देखना चाहूंगा सीन क्या हो रहा है उन लोगों का। फिलहाल तो बस स्काउट कर रहे हैं सब लोग एक दूसरे को। 6 टीम्स बचे हुए हैं, टॉप 6 आना अभी बहुत ईजी हो चुका है कंपेटिवली इस लॉबी के अकॉर्डिंग, और देखते हैं क्या सीन होता है। मारूफ भाई ने यहाँ पे ले लिया जो हम लोग दो फाइट देख पा रहे टीम नंबर 14 प्लस टीम नंबर 18 का, उसमें हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। मिकेल जो है मिकेल को मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कवर लेने का कोशिश। मारूफ भाई को पास मैं जाना चाहूंगा, मारूफ भाई यहाँ पे हील करते हुए दे रहे हैं। फिलहाल चोर भाई यहाँ पे जा सकते हैं। सेंटिनल एक और नॉक निकालते हुए बहुत प्यारा सा ये नॉक उनका हम लोगों को देख पाए, बट एक्सचेंज हो चुका है ट्रेड हो गया यहाँ पे। ज्यूस यहाँ पे नॉक पड़े हुए, जैप जो है वही 16 बंदे बचे हुए अपने टीम के अभी तक नॉक एंड फिनिश कर दिया गया है सेंटिनल को। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दो टीम्स है मारूफ शोर दो है। शोर को यहाँ पे रेफ किया जा रहा है, शोर को रेफ मिल जाना चाहिए आराम से। यहाँ पे एक्सचेंज भी हो रहा है रेफ, ज्यूस काफी पहले रैप हो चुके हैं, हाथ लगा लिया गया था उनको पहले ही। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं रॉक का हाइट एयर है और यहाँ पे थोड़ा मस्ती करते हुए, बट उनको ये प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा टीम नंबर 14 जो हम लोग के सामने। ड्रोन भी मैं जा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को दूसरे साइड भी जो सीन चल रहा है वो भी आप लोगों को कवर करा पाऊँ एक ही स्क्रीन पे, कोशिश कर रहा हूँ मैं। मारू भाई शोर भाई यहाँ पे है वो लोग यहाँ पे रोटेट करते हुए, बट उनके सामने टीम नंबर 18 जाता है वो क्या डिसीजन लेते देखते। सीसी के नूप में यहाँ पे एक और नॉक निकाल दे, सीसी के नूप के पास जाना चाहूँगा मैं। सीसी का नूप कहाँ पे, सीसी का नूप भाई के पास आते ही वो नॉक हो चुके हैं। रेड का टीम यहाँ पे सामने है उन लोगों के, और यहाँ पे शायद रेफ मिल जाए। रेड का टीम वर्सेस सीसी का टीम वर्सेस यहाँ पे टीम नंबर 18 जो हम लोग देख पा रहे हैं TNY का टीम। तो 3+3 टीम्स के यहाँ पे क्लस्टर है फिलहाल के लिए। रेड रावण के पास मैं जाना चाहूंगा सीन क्या है देखने के लिए। स्मोक यहाँ पे फेंकते हुए फिलहाल मैं नहीं खेला हूँ। ओके ब्रो, अगर आपका टीम खेलने वाला है या फिर खेल रहा है तो उनको ऑल द बेस्ट, और आप भी जब टूर्नी खेलोगे आपका उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। देखो भाई एकदम पॉजिटिव एनवायरनमेंट है यहाँ पे, सब लोग एक दूसरे को प्यार बांटे, सिर्फ यही चाहता हूँ मैं। रावण के सामने समुराई गॉड आ रहे हैं और धीरे धीरे भाई प्रोन करके जाते हुए आउटिस को स्पॉट कर चुके हैं। आउटिस को एक नेट करने वाले, अगर अच्छा से नेट गिरा तो ले सकते हैं, कांड हो सकता है, मच जाएगा शायद लग रहा है मुझको। और आउटिस को ऊपर डैमेज पड़ता हुआ, अब टैप्स आ गया, वन टैप कर दिया आउटिस को जो हम लोग देख रहे हैं। MK का पावर ब्रो शॉर्ट रेंज में तबाही है। अगर कुछ फ्रैक्स उनके ऊपर भी आता हुआ यहाँ पे जो ओइकॉट टैप वन टैप कर दिया रावण ने, बट ट्रेड कर लेगा राइनो को मैं देख पा रहा हूँ। राइनो यहाँ पे फ्रैक करने की कोशिश, रेज ने यहाँ पे बचा लिया, सॉरी ब्लेज ने यहाँ पे बचा लिया जो हम लोग देख पा रहे हैं। लास्ट बंदा बचा हुआ और इसी के साथ बहुत ही प्यारा जो स्क्वाड यहाँ पे वन टैप कर रहे थे, अच्छा खेल रहे थे, वो इस लॉबी से जाते हुए RIP to दैट टीम। बट बहुत 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 उमदा खेला उन लोगों ने। यहाँ पे रेव मिल जाएगा टीम नंबर 21 के जो बंदे हैं, गॉड भाई को यहाँ पे रिवाइव मिलता हुआ। हम लोग दूसरी तरफ जाएंगे सीन क्या है देखने के लिए। मारूफ और शोहर अभी तक है हम लोग जो देख पा रहे हैं, और मैच की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे। 4 टीम्स बचे हैं, टॉप 5 में टीम्स आ चुके हैं। अभी बस चिकन डिनर का जो भूख है सभी के ऊपर बढ़ेगा, सब लोग चिकन डिनर लेने का फुल ऑन ट्राई हार्ड करने वाले। सीन क्या है देख लेंगे। 4v4v2v1 है यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं। जैप जो है वो सोलो बचे हुए टीम नंबर 18 की तरफ से, सीसी के सब बंदे अभी तक जिंदा है और यहाँ पे एक फाइट हो चुका है। जैप को यहाँ पे नॉक एंड फिनिश कर दिया गया है, लास्ट बंदे बचे हुए थे और वो जाते हुए इस लॉबी से भी। ब्रोली जो है ब्रोली यहाँ पे उन्होंने नॉक एंड फिनिश किया था उन्होंने। टीम नंबर 21 फोरमैन स्ट्रांग है जो हम लोग देख पा रहे हैं, क्या वो लोग टीम नंबर 17 जो है उनके बंदों को ले पाते। सीसी वर्सेस जो ORD का हम लोग देख पा रहे हैं, दो ही टीम बचे हुए हैं। 4v4 का सिचुएशन था बट यहाँ पे नॉक एक हो चुका है, नूप भाई को यहाँ पे नॉक कर दिया गया और एक प्यारा नॉक आते यहाँ पे हम लोग देख पाए।
काकरोड का यहाँ पे बहुत ही प्यारा नेड आता हुआ, काकरोड के पीओवी से मैं जाना चाह रहा हूँ देखने के लिए क्या सीन चल रहा है यहाँ पे पनिशर का, और काकरोड का पुश आ रहा है पनिशर के पीओवी से, मैं देखना चाहूंगा यहाँ पे वो सामने ब्लेज ने यहाँ पे ले लिया है, ब्लेज के पीओवी से मैं देखना चाहूंगा क्या सीन है यहाँ पे, रेफ किया जा रहा है एक ही जगह पे सब लोग क्लस्टर्ड है फिलहाल, काकरोड यहाँ पे प्रोन हुए हैं और गोगिता को हम लोग देख पा रहे हैं, एम के है उनका हाथ पे 75 एचपी के साथ, बूस्टर नहीं मारा उन्होंने, वो जा रहे धीरे धीरे, बट यहाँ पे मुश्किल हो सकता है, रोली ने यहाँ पे नूप को ले लिया जो हम लोग देख पा रहे हैं और उन्होंने स्पॉट कर लिया, इसी के साथ ये स्क्वाड वाइप करते हुए और विनर विनर चिकन डिनर लेते हुए बहुत ही प्यारा सा ये पहला मैच हम लोगों का जाता हुआ आज के दिन का ग्रुप 26 का, तो विनर विनर चिकन डिनर यहाँ पे लेते हुए थोड़ा साउंड कम कर देता हूँ, बहरा हो रहा हूँ कान, मेरे कान। विनर चिकन डिनर यहाँ पे ओआरडी का टीम लेता हुआ, तो ओआरडी के लिए आप लोग ओपी इन द चैट कर देना गाइस, बहुत ही उमदा उन लोगों का गेम प्ले हम लोगों ने देखा, सीसी का टीम जो है बहुत 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 प्यारा खेल रहे थे बट लास्ट में जाके थोड़े के लिए चूक गए वो लोग, उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है, कुछ कर नहीं सकते, बट नेक्स्ट मैच जो है वीकेंडी का मैच होने वाला है इसी ग्रुप का, ग्रुप 26 का, उसमें वो लोग बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट रखेंगे क्योंकि इस जो टीम है ये जो लॉबी बना हुआ है इस टीम में कैपेबिलिटी है, ओआरडी के टीम में कैपेबिलिटी है, एआरएस में है, टीएनवाई पे है, रेड पे है, जितने भी टीम है एस2के यहाँ पे टीम ईबीसी सब लोगों को बहुत प्यारे प्लेयर्स हैं, आई होप नेक्स्ट मैच में ये जो टीम है टीम नंबर 8 जहाँ पे 8 पोजीशन में आए हैं हॉक का टीम, हॉक और गाजम उन लोगों का पूरा स्क्वाड खेले ताकि वो लोग जो अपना स्किल सेट है पोर्ट्री कर पाए हम लोगों के सामने, और पॉइंट्स टेबल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, हाईएस्ट फिगर जो है यहाँ पे सैमुराई ब्लेज के लिए भी आप लोग ओपी इन द चैट कर देना गाइस, बंदे ने बहुत उमदा खेला, 6 किल लिया उस यहाँ पे हम लोग जो देख पाए, ओआरडी ने विनर विनर चिकन डिनर लिया है और हम लोग पॉइंट्स टेबल की तरफ बढ़ जाएंगे पहले मैच का, ओआरडी के पास टोटल 6 फ्रैग्स है विद फर्स्ट पोजी, बहुत उमदा उन लोगों का गेम प्ले हम लोगों ने देखा, सेकंड यहाँ पे सीसी का टीम जो लोग उमदा खेले बट लास्ट में लाइक अलग फेवर नहीं किया उन लोगों का, 9 किल्स उन लोगों के पास, थर्ड यहाँ पे एआरएस का टीम आया है विद 2 किल्स, फोर्थ यहाँ पे टीएनवाई का टीम है विद 2 किल्स, फिफ्थ यहाँ पे रेड का टीम है विद 5 किल्स, सिक्स यहाँ पे टीम ईबीसी है विद 0 किल्स, सेवन यहाँ पे एस2के का टीम है विद 1 किल, एंड 8th यहाँ पे और जो टेबल है उसका लास्ट यहाँ पे आते हुए अनफॉर्चुनेटली यूटीसी फ्लिक्स उन लोगों का टीम, तो यही इसी के साथ ये पहला मैच जो है ग्रुप 26 का वो खत्म होते हुए, सेकेंड मैच जो उन लोगों का है वीकेंडी उसकी तरफ हम लोग जल्दी ही बढ़ जाएंगे, फिलहाल हम लोग एक छोटे से ब्रेक में जाएंगे और मिलते हैं बहुत ही जल्दी ब्रेक के बाद आप लोगों के साथ, आप लोग बने रहना, बहुत मस्ती करेंगे नेक्स्ट मैच में हम लोग। I just want a bag, like an old lady. I'm backwoods smoking, I don't own papers. Pass that 808, that shit a dome shaker. Oh, bitch, you know I'm grinding like a pro skater. Baby mama bugging, I'm so quick to hit ignore. Buku bitches in my bed, I got scales all on my floor. I got money on the line, plus I'm clocking that galore. I got bitches kissing bitches, all them bitches go explore. I'm feeling way up. Well, fuck it, I stay up. Put your bitch on my Snapchat. While I fuck up, I make up. She want a chance with me, cause she know I'm a rapper. I give a dick, but I never get feelings. Cause shorty, I know what you after. Okay, section at 12, gon' find your ass way in New Orleans. Watch out a bit, I'm jugging. Dissect your head if your hand in my putting. Put two in your man if your man keep a looking. Act like
like a pussy, your panties get tooken. I'm not the type to go fuck with them niggas who stay on some fuck shit. Youngin' trapping out the bando, from the ceiling fan to the damn floor, trying to stack my money up, cause that's the only way we can go. Tell my mama that I'm okay, see the money coming through the doorway. Got a bad bitch with a lot of money, that's foreplay. Okay, they watching me, they watching me, they watching me. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Oh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out.
He's here. Rain crashing down, I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down, all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare.
for me. That's why I give you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me.
feeling down. The cold nights just don't feel the same. Oh, pack my life inside a car. Hit the button, drive real far. Put that record on me, die. Oh, I'm dreaming of you. I dream of a new night. Fight in the dark till we see the sunlight. My love, it's you and I. Cross, cross, and come back, it's fine. So reach for the stars, cause we're aiming high. हेलो गाइस, आ गया हूँ मैं ग्रुप 26 का सेकंड मैच लेके वीकेंडी का, जो आज के दिन में हम लोगों का सेकंड मैच हो रहा है लाइव स्ट्रीम का. सभी लोगों का सुस्वागतम है और हम लोग बढ़ जाएंगे रेवल्स कप 2.0 डे 7 का जो ग्रुप 26 है उनकी तरफ. वापस इरांगल का क्यों लगा हुआ है भाई? एक गलती हो गया है, रुको रुको एक सेकेंड बोल देता हूँ. एक सेकंड टीम के साथ बात कर रहा हूँ. यहाँ पे उन लोगों का वीकेंड ही होने वाला था ना. देखते हैं टीम जल्दी रेस्पॉन्स कर दे बस. ग्रुप 26 का सेकंड मैच वीकेंडी होना चाहिए और यहाँ पे इरांगल हम हमारे स्क्रीन पे दिखा रहा है. क्या हुआ है देख लेते हैं, क्या हुआ है पूछ लेते हैं, जो भी है सॉल्व कर लेंगे ना. गाइस मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, गला बहुत सूख गया है मेरा. और मैच का मैप वो चेंज कर दिया गया था लास्ट मोमेंट में और वीकेंडी में हम लोग आ चुके हैं मैच में. ग्रुप 26 का जो मैच है इस पे हम लोग आ चुके हैं. साउंड थोड़ा चेक कर लेंगे थोड़ी देर में और हम लोग अभी फ़िलहाल गेम स्क्रीन पे चले जाते हैं.
गाइस, जो जो लोग हम लोग के साथ अभी बने हुए हैं, जो जो लोग हम लोग के साथ बनने वाले हैं, जुड़ने वाले हैं, सभी लोगों का सुस्वागत हम करना चाहूँगा मैं। साउंड सब सही है और थोड़ा बढ़ा देता हूँ साउंड को, काफ़ी पर्दे वरना पड़ जाते हैं, कमरे में रखना पड़ता है उस वजह से। और हम लोग राइवल्स कप 2.0 ऑर्गेनाइज बाई टीम नॉक एंड फिनिश में आ चुके हैं। ग्रुप 26 का सेकंड मैच जो कि वीकेंडी का है वो लेके कल से स्ट्रीम में कुछ चीज़ें चेंज होंगी, जैसे कि आप लोगों को अभी ओवरले दिख रहा है आई गेस स्क्रीन के नीचे, उसके साथ कुछ एडिशन होने वाला है ताकि आप लोग और अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन सा ग्रुप का मैच चल रहा है जो आप स्क्रीन में देख रहे हो, और कौन सा ग्रुप का मैच चल रहा है। मैप तो आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा, तो कौन सा ग्रुप चल रहा है वो बस आप लोग अच्छे से समझ पाओ। हम लोग मैच की तरफ अभी बढ़ जाएंगे और मैच होने वाला है शुरू। बजर हो गया ख़त्म और टीम को कर लेंगे थोड़ा सीधा और ब्रेकफास्ट कर लेंगे चेक। यहाँ पे डॉबरो में तो बिहार मोबाद्रा डायनो पार्क अबे वाइनरी बोलनोवा हॉट स्प्रिंग्स वही कैंट्रा में जाके खत्म हो रहा है। देखते हैं कौन सा टिप कहाँ पे ड्रॉप लेता है फिलहाल। और एक बार मैं अपना ऑडियो चेक कर लेता हूँ, सही आ रहा है ना? यप हाँ सही आ रहा है, सब सही है। गले पे हो रहा है थोड़ा खिचखिच, देखते हैं क्या होता है। इस बार 7 टीम्स खेल रहे हैं 8 की जगह पे, और थोड़ा इजी हो गया है कॉम्पेटिवली काफ़ी सारे टीम्स के लिए। देखते हैं इस मैच में कौन सा टीम मेरा चिकन डिनर लेके जाता है। अर्ली फेज में आएगा सब लोगों को फाइट्स कुछ देखने को नहीं मिलेगी, बट लेटर फेज में हम लोग को देख सकते हैं। आरएल का टीम जो है मास्टर माइंड यहाँ पे वो अकेले है और प्लेन में है फिलहाल के लिए। किशोर हो जाए क्वालिफायर मैप कौन मैप रैंडम है क्या? नो ब्रो प्रीफिक्स है, मुझे कोई मैच रहते हैं। हर टीम्स को 2 मैचेस मिलते हैं अपना स्किल सेट दिखाने के लिए, एक इरांगल का है और सेकंड वाला विकेंडी का होता है। तो इरांगल और विकेंडी का दोनों का मिला के जो टीम क्वालिफाई करते हैं वो लोग लाइक क्वार्टर्स में जाएंगे। तो क्वालिफायर्स का जो लिस्ट रहता है कौन सा टीम क्वालिफाई किया है, कौन सा टीम क्वालिफाई कर नहीं पाया, अनफॉर्चुनेटली सब लोगों का लिस्ट इंस्टाग्राम में अपडेट कर दिया जाता है। तो इंस्टाग्राम को भी आप लोग फॉलो कर देना प्लीज, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब द चैनल। किशोर सुस्वागत है आपका भी। दोबरों में तो टीम नंबर 21 यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं। क्रिचर्स पे यहाँ पे S2K का टीम है, सीमेंट फैक्ट्री 23, 14 और 18 जो है वाइनरी के यहाँ पे कुछ कांड होने वाला है लग रहा है। मोबाद्रा के यहाँ पे आराम से रेड का टीम सांस ले रहा है फिलहाल के लिए आराम से, और आरएल का जो मास्टर माइंड है वो पानी में आके कूद रहे हैं क्योंकि वो सोलो आए हुए हैं, बहुत नाराज है शायद। तो हम लोग यहाँ पे ARS का टीम वर्सेस यहाँ पे TNY का टीम को देख पा रहे हैं आमने सामने होते हुए। तो एक बार चेक कर लेंगे कितने बंदे हैं यहाँ पे, 4v3 का सिचुएशन है फिलहाल, स्प्लिट उतर है शायद इसका टीम। यहाँ पे तीन लोग खेल रहे हो क्या आप लोग? एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, तीन लोग खेल रहे हैं, तीन लोग ही लोबी में घुसा है। बहुत मुश्किलें हो सकती है बट क्या होता है देखेंगे। और मैच की तरफ हम लोग आ चुके हैं और मैच हो गया है शुरू, फाइट होने वाला है शायद। टेस्ला ओपी थोड़ा डैमेज ले चुके हैं, किस चीज़ का डैमेज लिया भाई? मिखेल को मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, सेंटिनल को स्पॉट कर लिया, सेंटिनल को बस ब्रेक खोलने वाला है, उसी का उनका डैमेज लिया है थोड़ा सेंटिनल भाई ने यहाँ पे, बट वो बच के निकलते हुए फिलहाल के लिए। और जैप को पता है जो लास्ट में वन टैप मशीन थे लास्ट में हम लोगों के मैच में, उनको पता चल गया है, हेमंग को पता चल गया, मास्टर माइंड यहाँ पे पानी में सुसाइड करते हुए। और सब टीम्स को इन्फो मिल चुका है कि यहाँ पे एक टीम है हम लोग के साथ उतरे हुए हैं, और पोजी हम लोग को पता चल चुका है। तो हम लोग अभी क्या अप्रोच लेते हैं देखते हैं। सेंटिनल के लिए बैकअप आ चुका है जो हम लोग देख पा रहे हैं, सेंटिनल काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनके टीम के लिए। हेलमेट तो है नहीं उनके पास बट बेस्ट है, और वो थोड़ा डैमेज लिया हुआ है फिलहाल जो हम लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे TNY को हम लोग देख रहे हैं थोड़ा बैक ऑफ करते हुए, फॉल बैक कर रहे हैं शायद इस फाइट से, अब फॉल बैक कर रहे हैं वो लोग। टीम नंबर 14 को अभी के लिए फिलहाल थोड़ा जाने दे रहे हैं, बाद में फाइट लेंगे। स्टैकअप कोई हुआ नहीं है शायद उन लोगों की टीम से, मैं देख लूँगा एक बार सब प्लेयर क्या सीन है उन लोगों का। स्टैक को देख रहा हूँ यहाँ पे भाई, कोई भी स्टैक नहीं हो पाया अभी तक। टेस्ला भी भाग रहे हैं, सब लोग अच्छे से वेल क्यूट नहीं है, थोड़ा लाइक अच्छे से स्टैक होकर वो लोग फाइट लेंगे, क्योंकि फाइट लेने की कैपेबिलिटी हर किसी टीम में है, कोई भी किसी से लिटरली नहीं डरता, बस स्किल सेट ऑलमोस्ट सब लोगों का सेम है, और लक के ऊपर काफ़ी ये मैच रहता है, सब लोगों को पता ही है पबजी का क्या सीन रहता है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं टेस्ला भाई आराम से लूट कर रहे हैं फिलहाल के लिए, लूट वूट करेंगे फिर आराम से आएंगे, थोड़ा
टपाटप हम वो लोग करेंगे, देखने को हम लोगों को मिलेगा। सेंटिनल भाई यहाँ से वेहीकल लेके जाते हुए दूर दूर अपने टीम से थोड़ा लूट करेंगे। फिलहाल बाकी सब टीम्स को एक एक बार हम लोग देख के आ जाएंगे कौन सा टीम क्या सीन कर रहा है। रेड के एम गॉड के यहाँ पे आ चुके हैं, रेड का जो टीम है रेंडर फिलहाल हो रहा हो गया। और राइनो को हम लोग देख रहे हैं, राइनो भाई यहाँ पे नीले नीले बाल के साथ जाते हुए और बाल ढक गया उनका। आशु भाई को देख लेंगे, आशु भाई बैरल लेके फिलहाल जा रहे हैं, की हाल चाल वो सुन नहीं पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। रावण, रावण यहाँ पे एफ के से वापस आ गया, एफ के से एस के पास चलेंगे, एस के क्या कर रहा है देखेंगे। क्रिचास के यहाँ पे वो लोग रेंडर हो गया और जो जो लोग देख रहे हैं हम लोगों को अभी मैप दिखाओ क्रिकेट टॉक ब्रो, मैप क्यों दिखाओ ब्रो, आप टीम्स जो है उसको ही देख लीजिए क्योंकि उनको ही तो देखना है ना। आप किसी टीम को देखना चाहते हो तो आप प्लीज़ बताना ज़रूर, मैं दिखा दूँगा कोई दिक्कत नहीं है। बट मैप दिखाने में स्ट्रीम स्नाइप का इश्यूज पहले भी हुए हैं तो स्ट्रीम स्नाइप का इश्यूज मैं नहीं चाहता। डिले रखने के बाद भी स्ट्रीम स्नाइप लोग कर रहे हैं, कुछ कर नहीं पाता उस वजह से। तो फेयर रखने के लिए जो सब टीम के लिए फेयर हो ये मैच, इसके लिए मैप जितना हो सके कम दिखाता हूँ मैं। एनीवे वेलकम टू अवर स्ट्रीम एंड इफ यू हैवंट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर्ड यट प्लीज़ कर दीजिए। आयरन मैन टोनी स्टार्क भाई को देख पा रहे हैं आप फिलहाल, लेवल 3 का हेलमेट है, लेवल 2 का वेस्ट है, मुक्का मारते हुए विंडो कर दी एनिमेशन को तोड़ने के लिए। ARS के पास चलेंगे, क्या सीन है देखेंगे। ARS का टीम जो थे वो लोग में भिड़ गए थे और टीम नंबर 18 के साथ बट बैकअप भी कर लिया था। सब लोग आप देख रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं देखे लेके आराम से रोटेट करते हुए। फिलहाल किसी टीम के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है बट ARS के सामने यहाँ पे रेड का टीम है जो हम लोग देख पा रहे हैं। एक फाइट शायद हम लोग को देखने को मिले, वो लोग ट्रिप हो चुके हैं, एक फाइट नहीं मिलेगा हम लोग को देखने के लिए। TNY के पास हम लोग आ चुके हैं, क्या सीन है देखने के लिए। रेंडर तो हो रहा है और हो गया। टेस्ला भाई को देख लिए हैं हम लोग, हेमंग को देख रहे हैं, हेमंग ने यहाँ पे सेटलिंग की तरफ वो जाते हुए धीरे धीरे पूरा घूम रहे हैं। बहुत भूख भी लग रहा है मुझे। जैप, जैप को अभी तक हेलमेट नहीं मिला तो भाई सीसी के पास चलेंगे। इस बार पोपाई भी खेल रहे हैं जो लास्ट मैच में चैट पे आए थे हम लोग के, उनका टीम खेल रहा था आपको बताया था उन्होंने और इस मैच में वो भी खेल रहे हैं। ऑल द बेस्ट टू हिम एंड हिज टीम। आदित्य राज शो टीम 21 ओके, या जिस टाइम पे आपने टैक्स किया है उसी टाइम पे हम लोग यहीं पे। समुराई प्लेस स्ट्रीम डिले है गाइस, तो आप लोगों का मेरा जो इंटरेक्शन है थोड़ा टाइम लगेगा ऑब्वियसली। माई सेल्फ सीसी नवीन, आदित्य राज काफ़ी अच्छा खेला आपका टीम लास्ट मैच में, मैं बोलना चाहूँगा आप भी बहुत अच्छे खेले, स्किल सेट बहुत अच्छा है आप लोगों का बट लक का ही जो सीन है वही है। वेलकम टू अवर स्ट्रीम एनीवे। फिलहाल तो लाइक मैप थोड़ा बोरिंग रहेगा, फर्स्ट हाफ जो है फर्स्ट फेज जो रहता है मिड फेज से लास्ट फेज तक सीन हो जाता है। आप इस मैच क्यों नहीं खेल रहे मुझको बताना आदित्य, लाइक क्या सीन हो गया आपका कि आप इस मैच में बैठ रहे हैं खेल नहीं, थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं, क्या सीन हुआ है। बोलना पपाई को मैं देख पा रहा हूँ वो खेल रहे हैं इस बार। सीसी का टीम फिलहाल चेकअप हो रहा है, हो जाएंगे पूरा, बहुत बहुत मिलेगा सभी लोग। EVC के पास हम लोग आ चुके हैं, रेंडर हो रहा है, हवा पे दिखा रहा है, गाड़ी चल रहा है होता नहीं है बट हो रहा है। यहाँ पे मैडॉक को हम लोग देख रहे हैं, एम रेड के एम डॉक एम गॉड ने एक नॉक निकाल दिया जो हम लोग देख पा रहे हैं और थर्स्ट भी कर दिया यहाँ पे चोर को यहाँ पे लेते हुए। मिखेल भी यहाँ पे जो है वो भी नॉक पड़े हुए हैं शायद, यप मिखेल भी यहाँ पे नॉक पड़े हुए हैं। एक अच्छा सा फ्लैंक आता और रावण वर्सेस यहाँ पे सोहन का मैच चल रहा था और यहाँ पे 1v1 पे रावण जीतते हुए और ARS मारूफ और उनके टीम को लेके जाते हुए डब्बा बनाते हुए इस लॉबी से उन लोगों को भेजते हुए वापस। तो रेड के पास 3 kills हो चुका है, एक फर्स्ट फेज में हम लोग को एक फाइट देखने को मिल चुका है और यहाँ पे धीरे धीरे रेड का टीम एडवांस होगा। टॉप 5 हो चुका है ऑलरेडी फर्स्ट फेज में ही, तो सीन होने वाला है बाद में जो हम लोग देखने को हम लोगों को मिलेगा। अभी स्ट्रीम लैब्स काम कर रहा है, नाइस 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 नाइस, स्ट्रीम लैब्स अभी काम कर रहा है।
व्हाट्सएप और सबका भी लिंक आ जाएगा। दो दो बार आ रहा है क्योंकि नाइट बोट का भी एक्टिवेट किया, नाइट बोट वाला डीएक्टिवेट करना पड़ेगा मुझको, स्ट्रीम के बीच में ऐड करना पड़ा था व्हाट्सएप और डिस्कॉर्ड और सब कुछ का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, कमांड से कमांड डालने पड़ते हैं, थोड़ा बहुत नाटक है बट मज़ा आता है करने में। मैड किट लेना है या नहीं लेना है? मैड किट बड़ा है दिखने में, भी जल्दी होता है, नहीं लेंगे हम। जोन यहाँ पे शिफ्ट होता है डॉब्रो में, तो लेके बना हुआ है तो डॉब्रो में तो सेंटर्ड जो टीम है उनके पास हम लोग एक बार जाएंगे, सीसी का जो टीम है वो लोग डॉब्रो में तो है फिलहाल, काफ़ी एडवांटेज है उन लोगों के पास, जोन भी मिल गया है और डॉब्रो में के पास ही लाइक ये मैच ख़त्म होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। टावर पे फिलहाल बोलूँ जो मैं आउटिस को देख पा रहा हूँ, केडी आउटिस ब्रो सबको मौका देते हैं अपन, फाइव मैन रोस्टर हूँ। ओके ब्रो आपका टीम जो है आपकी टीम के लिए बहुत 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 मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, आपको टीम को ही मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ सीसी का जो टीम है आप लोगों का, और मेरे तरफ से बेस्ट विशेस। और काफ़ी अच्छा बात है कि सब प्लेयर्स लोग लाइक बहुत लोग बहुत टाइम क्या होता है कोई प्लेयर को अगर बिठा देते हैं या फिर कोई प्लेयर बिठा हुआ रहता है, बहुत सारे टीम्स में ऐसे होते हैं कि प्रोफेशनली वो चीज़ को नहीं लेते और वो लोग लाइक ऐसे टॉक्सिक हो जाते हैं। आपका जो एक एटीट्यूड हम मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ उस चीज़ के रिगार्डिंग बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है, उस चीज़ को मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ, बहुत मानता हूँ उस चीज़ को, क्योंकि ऐसा भी लाइक टाइम था जब मैं भी आपकी जगह पे था जब खेल रहा होता था और मैं बैठा हूँ, बट इट्स ओके लाइक टीम है जो जिस मैच के अकॉर्डिंग जिस मैप के अकॉर्डिंग खेलेंगे रोटेट कर करके खेलेंगे तभी सब प्लेयर्स का जो परफॉर्मेंस है वो उभर के आएगा। क्या पता कौन किस मैप पे अच्छा खेले, जैसे लास्ट मैच में आप अच्छा खेले थे, इस मैच में क्या पता पोपाई भाई अच्छा खेल ले, होता है। नाइस आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा मुझको, आई अप्रिशिएट इट। डॉब्रो मैच तो पे है हम लोग टीम सीसी के पास, वो लोग अकेले हैं फिलहाल यहाँ पे, कोई है क्या उनके सामने? नो ईवीसी के पास हम लोग चलेंगे, मैप को भी एक बार एक झलक देख लेंगे हम लोग। ईवीसी का जो टीम है वो लोग आने वाले हैं धीरे धीरे यहाँ पे, टीम 21 जो थे सीसी का जो टीम है उन लोगों के सामने सीन होने वाला है। थोड़ा बोरिंग हो रहा है मैच बट काम चला लेंगे भाई, भूख लग रहा है मुझको भाई। कोई कुछ ऑर्डर करना चाहो तो कर सकते हो, पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा है आज भी। हम लोग यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है बाय द वे, 27 से स्टार्ट हुआ है, मतलब कल से स्टार्ट हुआ है एक्चुअली लॉकडाउन हम लोग यहाँ पे। टीम नंबर 8 जो है S2K वो लोग यहाँ पे 23 के सामने हैं जो हम लोग देख पा रहे हैं। टीम आपस में फाइट लेंगे तो मज़ा आएगा देखने में, फिलहाल काफ़ी दूर है सब टॉप फाइव टीम बचे हुए हैं, रेड का टीम बचा हुआ है, S2K का टीम बचा हुआ है, TNYCC और TPC का टीम बचा हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग देख रहे हैं। सब लोग फोर मैन है फिलहाल, जब फोर मैन है तो फोर मैन स्ट्रॉन्ग है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई सीन नहीं है फिलहाल। भाई मैं जब आपका टेक्स्ट आया मैं उसी के साथ आपका नाम पढ़ा और आप शाउट आउट बोल रहे हो, काला लड गेमिंग शाउट आउट टू यू ब्रदर। ओ भाई ये जो चीज़ है ना, ये सतरंगी जो रूप रहता है ना, ये हम लोग इंडिया में देखने को मिलता है, इस चीज़ का जो मज़ा है ये इंडिया में है वो। बाहर का जो स्ट्रीम है ऑब्वियसली लाइक अलग क्वालिटी में होता है बट इंडिया का जो एक फील है ना, इंडियन जो तड़का है वो इसी यही सब चीज़ों में, यही सब मस्ती में, यही सब चीज़ें मेमोरीज बन के रह जाते हैं पता है जब कोई स्ट्रीम करता है। यहाँ पे आपस में फैन फाइट चल रहा है, भाई 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 मारो 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 मुझे मारो, मैं चादर मुँह खोजूँ यहाँ पे आया, मारो मारो जैप के पीछे पीछे भाग रहे हैं, आपस में प्यार कर रहे हैं दोनों, टेस्ला भाई और जैप भाई प्यार कर रहे हैं देख रहे हो भाईचारा दोनों में। सेंटिनल भी आने वाला है क्या फाइट में? एक बॉक्सिंग अगर मैच हो जाए तो, अगर कोई स्ट्रीम देख रहा है नहीं देख रहा ऑब्वियसली स्ट्रीम टाइम नहीं हो रहा वरना बोलता भाई, अगर नॉर्मल कस्टमर होता तो ज़रूर बोल देता मैं, माइक ऑल पे रखता और बोलता कि लाइक उसके बाद ही देखना है सब लोग। टूर्नामेंट के बाद करवाएंगे कुछ, टूर्नामेंट के बाद सब गेम्स भी करवाएंगे हम लोग,
सब्सक्राइबर्स जो रहेंगे वो लोग खेल सकते हैं हम लोग के साथ. देखते हैं क्या होता है आने वाला टाइम, किसने देखा है. भाई साहब क्या दुख रहा है मेरे बॉडी में. सब लोग फुल मस्ती ले रहे हैं भाई 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 भाई. जोन यहाँ पे शिफ्ट होगा, गोरो का क्रिचर्स लेके कांड होने वाला है शायद. यहाँ से शिफ्ट होगा, ये सब साइड होने वाला है. काला काला प्लेन पानी में ड्रॉप छोड़ के जाते हुए यहाँ पे कास्टिंग क्या करो, कुछ बोलने के लायक है ही नहीं यहाँ पे. टेस्ला भाई अभी भी झगड़ रहे हैं यहाँ पे. कुछ हो गया शायद उन लोगों के बीच में, झगड़ा वगड़ा हो गया, प्यार मोहब्बत कम हो गया. अभी सेंटिनल भाई, जैप भाई और यहाँ पे जो टेस्ला भाई, दोनों का फाइट देख रहे हैं हम लोग, फैन फाइट. ये भी एक सीन रहने वाला है भाई, जब हाईलाइट प्रिटी शॉक. क्या पता इससे ही हम लोगों का जो टूर्नामेंट है वो स्टार्ट हो. ओ भाई मेरे आंखों में दर्द हो रहा है. उन लोगों से थोड़ा शिफ्ट होते भाई, शाउट आउट कैसे दे दिया भाई. सब लोग बेस्ट अप्रोच लेते हुए, दो ड्रॉप आया है, दोनों ड्रॉप पाने में. पबजी वालों ने थोड़ा नशा कर लिया यहाँ पे, सस्ता नशा किया है. बोल ही रहा था क्रिचर्स गोरो का लेके कांड होने वाला है, दोपहर में सोलह हो गया. अब नेक्स्ट जोन शिफ्ट होगा बहुत गंदा वाला, एक हार्ड शिफ्ट होने वाला ये वाला जोन, नेक्स्ट जोन. आप लोग खेलते हुए देख के मुझको भी कभी कभी खेलने का मन करता है, बट पबजी मोबाइल तो खेलना बहुत पहले बंद कर दिया. पबजी पीसी खेलने का मन करता है, बट पबजी पीसी भी, पीसी का जो अकाउंट था वो भी बेच दिया लास्ट में कुछ दिन पहले, तो अभी पबजी पीसी का भी सीन नहीं है और कोई भी गेम खेल नहीं रहा अभी तो. स्ट्रीमिंग की वजह से लाइक कोई भी गेम खेला नहीं जा रहा, टाइम नहीं मिलता है, बहुत टायर्ड हो जाता हूँ जब कास्टिंग ख़त्म होता है. तो वैलोरेंट खेल रहा था, वैलोरेंट का हम लोग का टीम का कॉम्पी होने वाला था, टोनी होने वाला था एक, हम लोग खेलने वाले थे. 24 से होने वाला था, 24 से ही मैं आ गया स्ट्रीम में, तो टोनी पे से नाम हटाना पड़ा हम लोग की टीम को अनफॉर्चुनेटली. मेरे उस टीम को भी बेस्ट ऑफ लक, जो नया बंदा आएगा मेरे जगह आई होप बहुत अच्छा खेले और अच्छा रिजल्ट लाए टीम के लिए. जो जो लोग हम लोग को देख रहे हैं, मैं सभी लोगों से बोलना चाहूँगा, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब. एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता, थोड़ा एनर्जी लगेगा आप लोगों को, तो बस वो थोड़ा लगाना है, दबाना है, शेयर करना है. फट से लाइक शेयर कर दीजिएगा आप लोग, और अपने दोस्तों के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, फैमिली ग्रुप में कहीं भी आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. प्यार ही बढ़ाना है, ये जो आप लोग हो, हम लोग हैं, सब लोग एक जॉइंट फैमिली है, और इस फैमिली को थोड़ा हेल्प कीजिए ताकि ये फैमिली आप लोग का बड़ा हो पाए. बोलते बोलते एक फाइट शायद हम लोग का यहाँ पे स्टार्ट हो जाए. सीसी का टीम वहाँ से रोटेट कर चुके हैं, तो वो मुझको यहाँ से रोटेट कर रहे हैं, स्काउट कर रहे हैं शायद, वो लोग स्काउट करके वो लोग लेने वाले हैं यहाँ पे. बोलते बोलते स्लैम हुआ उन लोगों का, पोपाई यहाँ पे. पोपाई भाई को थोड़ा टाइम स्पेक्टेट करूँगा मैं देखने के लिए. लास्ट जो मैच चल रहा था वो यहीं पे थे, कमेंट्स में थे हम लोग. सीसी गॉड को हम लोग देख पा रहे, सीसी गॉड और ब्लेज जो है अपार्टमेंट में. सीसी गॉड को मतलब वो भाई ब्लेज को पड़ा था क्या, नहीं आउटिस को पड़ा था शायद. जब आउटिस को बहुत गंदा डैमेज पड़ा यहाँ पे, स्प्रे खुलता हुआ और यहाँ पे ब्लेज भाई यहाँ पे नॉक हो चुका है. एलेक्स का बहुत प्यारा स्प्रे आता हुआ, पोपाई के पास चला जाऊंगा यहाँ पे, और सीसी गॉड को भी हम लोग देख पा रहे. पोपाई भाई यहाँ पे रिवाइव लगा चुके हैं, हाथ लगा चुके हैं कवर देने का. फिलहाल यहाँ पे फुल ऑन ट्राई हार्ड चल रहा है, पुश आ चुका है जो हम लोग देख पा रहे हैं टीम नंबर 8 की तरफ से. एसके का जो टीम है, एक मॉली फेंका गया है बट मॉली यहाँ पे कनेक्ट नहीं होगा. पोपाई भी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, आउटिस को हम लोग देख रहे हैं, नॉक एंड फिनिश शायद हो जाए यहाँ पे पोपाई. एसके के पीओवी से मैं देखना चाहूंगा, ब्लूम जो है वो लोग पुश किया, और इसी के साथ जो सीसी का स्क्वाड है अनफॉर्चुनेटली इस लॉबी से वाइप होते हुए. S2K का स्क्वाड जो है एक फाइट जीत चुके हैं, 4 किल झोली में ला चुके हैं, टॉप 4 में वो लोग आ चुके हैं और मैच की तरफ और बढ़ चुके हैं. लास्ट फेज में हम लोग आ चुके हैं मैच का, और 4 टीम्स बचे हुए हैं. 4 टीम्स में कौन सा टीम विनर विनर चिकन डिनर लेके जाता है ग्रुप 26 है उनके लिए. सेकेंड मैच उन लोगों का चल रहा है फिलहाल, हम लोग देख पा रहे हैं.
रेड का टीम का भी टेंशन आता हुआ, थैंक यू फॉर शॉट आउट ब्रो। लाइक आज से एक्चुअली लाइक ऐसे ऐसे नाम मुझको दिख रहा है आपका इंक्लूडेड, बहुत फनी फनी नाम जो है। और शाउट आउट अगर मांगा है ब्रो तो देना तो पड़ेगा ही, जैसा भी नाम हो। जितने भी लोग हैं देख रहे हैं प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब द चैनल, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, थोड़ा प्यार दिखाइए। सीसी के लिए जो डोब्रोमेस्टो का ये रोटेशन था स्लैम करना था थोड़ा गलत होता हुआ, क्योंकि हाई ग्राउंड पे पहले से ही उन लोग दूसरा टीम था वो मोजी लेके बैठा हुआ था, वो लोग बस वेट कर रहे थे, वेट कर रहे थे कोई आए ले। यहाँ पे बैक गियर पे एम गॉट काफ़ी अच्छा एम देख लो, हम लोग व्हीकल के लेके भी उनका एम काफ़ी अच्छा है। क्या पार्किंग किया बंदे ने। और मैं बोल रहा था सीसी के बारे में बोल रहा था कि उन लोगों का जो एक रोटेशन था बहुत लाइक स्लैम करना नहीं चाहिए था, वो लोग पास ऑन करके जा सकते थे, पास बाय करके जा सकते थे उस टीम के सामने से, कोई लाइक प्रेशर था नहीं, क्योंकि आराम से टॉप 3-4 आ जाइए फिर फाइट लीजिए। छोटा लॉबी है, पोजीशन और प्लेसमेंट आना बहुत इजी है, लास्ट में लाइक आराम से क्वालिफाई कर ही सकते हो, कोई दिक्कत होगा ही नहीं आप लोगों को। देखिए उन लोगों का प्योर भी शायद कुछ अलग था, कुछ अलग पर्सपेक्टिव से सोच रहे, कुछ अलग सोच रहे थे, नेवर माइंड हार्ड लक होता है कोई नहीं, किसी दिन ये सब फाइट्स हम लोग जीतते हैं, किसी दिन ये सब फाइट्स हम लोग हारते हैं। टीम ईबीसी का जो बंदा है सेक्रेट वो यहाँ पे टीम का 8 के सामने है जो हम लोग देख रहे हैं, वो सोलो है, अपनी टीम से काफ़ी दूर है, टीम के साथ वापस जाके रिक्रूट करने का सोच रहे शायद, जब रिक्रूट करने वाले अपनी टीम के साथ। चार टीम बचे हुए हैं, सब लोग यहाँ पे 4 मैन ही थे, और TNY का जो टीम है वो लोग भी 4 मैन है, सब लोग 4 मैन यहाँ पे खेल रहे हैं फिलहाल के लिए। हम लोग टीम नंबर 8 की तरफ जाएंगे। S2K के आयरन मैन ने एक नॉक निकाल दिया जो हम लोग देख पाए, आयरन मैन भाई एक नॉक निकालते हुए एरिस को यहाँ पे नॉक करते हुए शायद थर्स्ट करने का वो सोचेंगे, और बंदे अगर स्पॉट हुए तो यहाँ पे धाबा बोल सकता है टीम नंबर 8। क्या वो लोग स्लैम करेंगे, क्या वो लोग पुश करेंगे, पोजी छोड़ना नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, अगर जोन आपके हाफ में है तो बैक स्टेप हो सकता है, नए लोकेशन पे आप जाने वाले हो, बैक स्टेप आप लोग हो सकते हो, किसी बाकी टीम का पोजी आप लोगों को पता नहीं होगा, देखते हैं क्या करते हैं। आयरन मैन से मैं थोड़ा शिफ्ट होऊंगा, एलेक्स को मैं देखूंगा, एलेक्स भी धीरे धीरे आ रहे हैं हंटर के सामने, स्प्रेक होते हुए आप इधर दिख सकते आके, और अगर स्प्रे कनेक्ट हुआ तो डैमेज दे सकते हैं, बट स्प्रे कनेक्ट नहीं होता हुआ यहाँ पे। एक्सप्लिट को मैं देखूंगा, एक्सप्लिट को थोड़ा डैमेज देते हुए यहाँ पे कवर फायर बैक फायर यहाँ पे टीम पर 23 करता हुआ उनके POV से मैं देख लूँगा। K9 उनके हाथ में है, फ्लोम को यहाँ पे शॉट पड़ता है नहीं, यहाँ पे मैट डॉग काफ़ी गंदा डैमेज देते हुए हंटर को हम लोग देख लेंगे, हंटर भी स्काउट कर रहे हैं फिलहाल, अगर कोई बंदा स्पॉट होता है तो लेंगे, थोड़ा फाइट मिला है तो थोड़ा कमेंट्री करने का मौका मिल गया हमको। पोपाई कोई नहीं यार, हार्ड लक हार्ड लक। मैटोग यहाँ पे एक नॉक निकाल दिया, उनसे बस हटा ही था मैं और उन्होंने नॉक निकाल दिया, बहुत नाइंसाफी है रे, बहुत नाइंसाफी है। सैक्रेट को हम लोग देख पा रहे प्लेस की पे, पोपाई कोई नहीं हार्ड लक हो जाता है मैच, किसी दिन आप लोग जीतोगे किसी दिन हारोगे। इस मैच के इंटरवल में अगर सब लोग रहे तो मैं एक स्टोरी बोलना चाहूँगा आप लोग का, जब मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट था PUBG PC का गेमिंग मॉन्क का टूर्नामेंट था, जो आप लोग आज स्ट्रीमर्स लोगों को देख पा रहे हो हाइड्रोफ्लिक वो लोग भी हुई टूर्नामेंट खेलते हैं बेसिकली गेमिंग मॉन्क का, और स्पॉन्सर्ड भी हैं अभी सब लोग गेमिंग मॉन्क की तरफ से। तो वो जो गेमिंग मॉन्क का लॉबी था वो सब मैं जब खेला था अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, अगर आप लोग जानना चाहोगे मेरा कोई दिक्कत है नहीं। पबजी पीसी का मैं सीन बोल रहा हूँ भाई, देखो हंटर भाई को हम लोग देख पा रहे हैं, हंटर भाई यहाँ पे बूस्टर्स लेते हुए पेन किलर ले रहे हैं चबा चबा के, और यहाँ पे सेक्रेट भाई को हम लोग देख रहे हैं SLR हाथ में है, SLR से क्या टपाटप दे पाते हैं या नहीं देखेंगे आप लोग थोड़ी देर में। यहाँ पे पुश आने वाले S2K के पास एडवांटेज है, अभी भी S2K के पास एडवांटेज है, S2K अगर वापस कंट्रोल कर पाए इस फाइट को वो लोग ले सकते हैं, स्क्वाड को भी 8 किल्स हो सकते हैं, अगर वो लोग कंट्रोल कर पाए। ग्राउंड कंट्रोल करना पड़ेगा, ग्राउंड कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, मैं पहले दिन से बोलते हुए आ रहा हूँ और टीम को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। एलेक्स यहाँ पे एक नॉक निकाल दिया है उन्होंने, मैटो को यहाँ का नॉक कर दिया, थर्स्ट करने का सोच रहा है बट कर नहीं पाएंगे, पुश काफ़ी रिस्की हो सकता है, टीम को बैकअप के लिए आना पड़ेगा उनके साथ, और सोलो पुश यहाँ पे थोड़ा एडवांस हुए हैं। एक बार ड्रोन भी मैं जाना चाहूँगा, एलेक्स भाई का यहाँ पे एक नेड आ रहा है जो हम लोग देख पा रहे हैं, हाँ टीम आ चुका है पोजी छोड़ के, एक बंदे को कवर के लिए हाइट में रहना पड़ेगा। एलेक्स को हम लोग देख पा रहे हैं, एलेक्स धीरे धीरे यहाँ पे आते हुए, टीम नंबर 23 जो है यहाँ पे उनके ऊपर धावा बोलता हुआ, टीम नंबर 8 जो S2K है वो लोग एक्सप्लिट को हम लोग देख रहे हैं, एक्सप्लिट यहाँ पे थोड़ा पिक फायर करते हुए, और यहाँ पे एरिस को ले सकते हो, बहुत ही प्यारा स्प्रे, बहुत ही प्यारा स्प्रे,
स्प्लिट का जो हम लोग देख पाए पूरा हेड पे यहाँ पे लिया उन्होंने और बहुत जल्दी नॉकआउट कर दिया है। रैफ क्या मिल पाएगा, नहीं लगता मुझको यहाँ पे रैफ मिल पाएगा बोल, क्योंकि नीड्स अभी आना स्टार्ट हुए तो दिक्कत हो सकता है। आयरन मैन का एक फ्लैंक देख सकते हैं हम लोग, आयरन मैन और एलेक्स का, एलेक्स यहाँ पे थोड़ा आगे है, एलेक्स यहाँ पे ले सकते हैं मैड डॉग को, मैड डॉग उनके सामने ही है, क्या मैड डॉग को ले पाते हैं वो, और मैड डॉग को वापस ले लिया एलेक्स ने जो हम लोग देख पाए। एक्सपीड के पास जाना चाहूंगा, एक्सपीड यहाँ पे नॉक है, ग्लोम को मैं देख पा रहा हूँ, ग्लोम यहाँ पे हंटर के ऊपर थोड़ा डैमेज देते हुए वापस गन शिफ्ट किया, यहाँ पे एक और नॉक निकाल लेंगे, हाँ हंटर को भी नॉक कर दिया है, थोड़ा इसमें बचे हुए यहाँ पे सेक्रेट, और सेक्रेट को ले सकते हैं इजीली एलेक्स यहाँ पे ट्रेड करते हुए, और बहुत ही प्यारे यहाँ पे गेम प्ले हम लोग देखते हुए। एक बंदा शायद वो लोगों ने खो दिया है, देख लेता हूँ उन लोगों के पीओवी से, यप एक्सप्लिट को वो लोग खो चुके हैं। एक्सप्लिट जिस बंदे जो बंदा था वो बहुत बहुत प्यारा, उन्होंने ट्रेड कर दिया था, बट टीम जो है थोड़ा लेट हो गया था शायद बैकअप में, और इसी वजह से ट्रेड वो नॉक एंड फिनिश हो चुके हैं, बट काफ़ी किल्स आ चुके हैं यहाँ पे टीम नंबर 8 के झोली में, 8 किल्स हो चुके हैं, तो उनको एक एडवांटेज वैसे भी रहेगा, आराम से लाइक क्वालिफाई करने में उनको आसानी हो ही जाएगा। वो दीदी कौन है जो स्ट्रीम आपके चैनल पर करती है, उनका नाम ब्लैक कैट है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उनका नाम, आप चेक कर सकते हैं, और उनका खुद का भी चैनल है, जाके आप देख भी सकते हो। वो आज लाइक 4 बजे से आएंगी, जितना तक मुझे याद है 4 और 5 बजे का वो जो स्ट्रीम्स है दोनों वो करेंगे, वो आई गेस 4 बजे का ही था जितना तक मुझे याद है। जैप को हम लोग देख रहे हैं, M4 हाथ में है इसका, देखो स्पॉट तो कर लिया है बट लॉन्ग रेंज फिलहाल है नहीं। रावण की तरफ से आई गेस K9 के शॉट्स आ रहे हैं, नो रावण की तरफ से नहीं था, किसके पास K9 है, M24 आशु भाई के पास, आशु भाई एक पट से हेडशॉट ले लो भाई। जैप को स्पॉट कर लिया है, पूरा पीक करके बैठे हुए हैं, और टेस्टा के ऊपर शॉट आया बट कनेक्ट नहीं हुआ, पीछे से एक और टीम का स्टैप जो है वो आ चुका है उनके ऊपर, जो मुझे लग रहा है S2 का टीम वहाँ पे पार्ट ना जाएंगे, इन्वॉल्व होना की कोशिश कर रहे हैं, स्मोक कर दिया है, धीरे धीरे वो लोग एडवांस हो रहे हैं सर्कल की तरफ, सर्कल का हाफ उन लोगों के पास भी है जो हम लोग देख रहे हैं। सेंटिनल TNY के सेंटिनल जो है वो S2 के बंदे को स्पॉट करते हुए, एलेक्स यहाँ पे डैमेज देते हुए, बहुत ही गंदा डैमेज देते हुए, एलेक्स शायद नॉक हो जाए बट वो बच गए थोड़े के। हेमंत को मैं देखना चाहूंगा उन लोगों का पीओवी से क्या सीन चल रहा है, लेफ्ट पे उन लोगों का रेड का भी टीम है। ओ भाई आपका चैट मैंने देखा है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ आपके चैट में, एक सेकंड ये फाइट कवर कर लेते हैं हम लोग। सेंटिनल स्टैप सब लोगों को हम लोग देख रहे हैं, नेड आता हुआ बट कनेक्ट नहीं होगा, वॉल के उस तरफ पड़ा है तो डैमेज नहीं होना चाहिए, बक्का पता नहीं हो भी सकता है क्या कांड, मतलब पबजी कभी भी कांड कर देता है। एलेक्स यहाँ पे जोन के एच में है लिटरली, हम लोग देख रहे हैं कि उन लोगों को जोन पे आना ही पड़ेगा, बहुत मुश्किल बढ़ता हुआ उन लोगों के लिए भी। स्काउट अभी भी कर रहे हैं TNY का टीम, इस फाइट का फायदा रेड का टीम उठा सकता है अगर वो चाहे तो, टीम नंबर 18 को अगर वो लोग स्लैम कर दिया वो लोग ले सकते हैं, और यहाँ पे जोन के लिए आना से पूरा कोशिश कर रहे हैं, हेमंत को यहाँ पे ले सकते हैं, एमिकॉर्ड और हेमंत को लेते हो, बहुत ही प्यारा स्प्रे यहाँ पे हम लोग G36 से उनका 6x में देख पाए, बहुत बहुत प्यारा स्प्रे यहाँ पे। राइनो को POV से मैं देख रहा हूँ कि राइनो क्या कर रहे हैं, राइनो भी स्प्रे कर रहे हैं किल कन्फर्म करने के लिए। आशु भाई को भी एक बार देख लेते हैं, आशु भाई M24 के हाथ पे था, एक दो नॉक अगर निकाल पाए अपने टीम को एडवांटेज दे सकते, और बहुत ही प्यारा यहाँ पे शॉट आता हुआ एम गॉड यहाँ पे, रेड के जो एम गॉड है यहाँ पे नेट पे किल कंफर्म कर लिया है, सेंटिनल के साथ कनेक्ट कर लो, और लग गया पार्ट सेट शॉट, देख लिया हम लोगों ने यहाँ पे आशु भाई का, बहुत ही प्यारा सा एक हेडशॉट फुल बॉडी पिक करते हुए, थोड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है बट हाथ में M24 है, M24 से कोई भी भिड़ना नहीं चाहेगा, ओम को छोड़ के और K9 को छोड़ के टेस्ला को भी ले सकते हैं, टेस्ला के ऊपर भी शॉट आता हुआ कनेक्ट नहीं होता हुआ, उनको ही मैं स्पेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि M24 दिखा है, बहुत मजा आ रहा है देखने में, बॉडी डैमेज थोड़ा लेने वाला है यहाँ पे टेस्ला जो मुझको लग रहा है, रैप किया जा रहा है फिलहाल के, व्हीकल को ब्लो कर दिया गया है और आयरन मैन यहाँ पे S2K के नॉक होते हुए, रावण जो है यहाँ पे दूसरे फाइट में इन्वॉल्व होते हुए S2K वाले में, और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक नेड आता हुआ रावण को मैं देख रहा हूँ, क्या रावण यहाँ पे लेते हैं देखते हैं, फ्लोम लिटरली ब्लीड आउट होते हुए, रावण ने उनको नॉक किया था और वो ब्लीड आउट हो चुके हैं जो हम लोग देख रहे हैं। आयरन मैन को वो लेने का कोशिश कर रहा है, आयरन मैन का जो किल है वो भी कंफर्म हो चुका है, दो ही टीम्स बचे हुए हैं, 4v3 का ये सीन है। 18 के पास जाऊंगा मैं, टीम नंबर 18 जो है TNY का टीम, वो लोग को जोन की तरफ आना पड़ रहा है, काफ़ी प्रेशर है उन लोगों के ऊपर,
रेड का टीम पूरा फैल के बैठा हुआ है पहले से ही। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सेंटिनल का यहाँ पे एक जो स्मोक है वो आता हुआ, जैप यहाँ पे काफी डैमेज लेके आते हुए स्प्लिट हो चुके हैं जो रेड का टीम। काफी एक अच्छा सेंसिबल डिसीजन का टेस्ला को ले सकते हैं यहाँ पे स्प्रे में। एम गॉड बड़ी यहाँ पे मॉली कर रहे हैं ब्लॉक करने के लिए उनको, और मॉली से डैमेज अगर पड़ा तो बहुत 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 गंदा यहाँ पे हाल हो सकता है टेस्ला के लिए। टेस्ला को डैमेज पड़ेगा, एक्सचेंज में एक और मॉली आता हुआ, मॉली मॉली का यहाँ पे वार चल रहा है। नोरा आएगी यहाँ पे नाच के जाएगी, आप थोड़ा वेट करो, देखो आग लगा दिया है लिटरली जो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। एम गॉड आशु भाई कवर पे है, रावण यहाँ पे फ्लैंक किए हुए हैं, राइनो जो है राइनो थोड़ा रोटेट कर करके खेल रहे हैं, अपने टीम को सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ही प्यारा। टेस्ला ने इनको डैमेज दे दिया है जो हम लोग देख पा रहे हैं, टेस्ला का डैमेज आते हुए यहाँ पे राइनो के पास। और टेस्ला के पास जाना चाहूंगा, टेस्ला क्या सीन है देख लेंगे हम लोग एक बार। पोपाई भाई आपके वाले पे आऊंगा, थोड़ा टाइम मुझको दे दो यहाँ पे फाइट कवर करने, लाइक लास्ट फाइट है कवर करके ही लाइक फ्री हूँ, इसके बाद आपका चैट में पढ़ लूंगा। सॉरी अभी अभी के लिए क्योंकि थोड़ा टाइम लग रहा है उसमें आने में। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थोड़ा टाइम ले रहे हैं बट जोन में तो आना पड़ेगा भाई। अभी जो अगर रेड का टीम है ना थोड़ा अगर टाइम वेस्ट करता है यहाँ पे, थोड़ा टाइम लेता है उन लोगों को मूव करने देता तो रेड के पास वैसे भी एडवांटेज हो सकता है। डैमेज तो वो लोग दे ही रहे हैं अनडाउटेडली, बट जोन को वो लोग अगर देखेंगे उसकी तरफ आना पड़ेगा ही तो वो लोग ले सकते हैं। रेड को रावर ने यहाँ पे एक नॉक निकाल दिया है, सेंटिनल को उन्होंने नॉक करे जो हम लोग देख पा रहे हैं। वापस प्रेशर TNY के ऊपर आता हुआ और सेंटिनल को यहाँ पे थर्स्ट कर दिया जाएगा, जो उसको देख के लग रहा है सेंटिनल को थर्स्ट कर दिया गया। 2v4 का सिचुएशन है, टेस्ला ओपन हो चुका है, टेस्ला के ऊपर स्प्रे खुलता हुआ बढ़ रही है यहाँ पे। दूसरा जो बंदा है जैनटॉप ने यहाँ पे ले लिया जो हम लोग देख पा रहे हैं। आशु भाई इस फाइट में इन्वॉल्व होते हुए एम गॉड भी आते हुए, एम गॉड ने यहाँ पे थर्स्ट यहाँ पे कर दिया है इस बंदे को, नॉक कर दिया इस बंदे को 1 HP पे एम गॉड। और जैप के ऊपर स्प्रे आता हुआ, इसी के साथ ये मैच खत्म होता हुआ। एम गॉड ने लास्ट किल सिक्योर किया और वो लोगों ने मैच भी सिक्योर कर लिया। विनर विनर चिकन डिनर यहाँ पे रेड की टीम को मिलता हुआ। रेड के लिए ओपी इन द चैट कर देना गाइस, बहुत ही उमदा गेम प्ले हम लोगों ने यहाँ पे उन लोगों का देखा है। और चैट की तरफ मैं बढ़ जाऊंगा, थोड़ा मिस कर दिया था आदित्य राजपूत, अच्छा वो तो बोल दिया भाई पता नहीं था बंदे ऊपर होंगे इसीलिए थोड़ा डिसएडवांटेज में हो गया। हाँ ब्रो वही चीज था, लाइक कहीं भी जब शॉट्स पड़ जाते हैं तो वहाँ से रोटेशन करना सबसे बेटर ऑप्शन रहता है क्योंकि भाग जाओ वहाँ से, लिटरली स्लैम इन करना ही नहीं है। डैमेज आप ले चुके हो, वो लोग एडवांटेज में है, आप लोग जगह स्लैम कर रहे हो उन लोगों के पास, आपके पास लोअर ग्राउंड का एडवांटेज है, उन लोगों के पास हाई ग्राउंड का है, आप लोग उतना बॉडी शो हो नहीं पाएगा जितना लाइक आप लोगों का होगा उनके POV से। तो वही हुआ, वो लोगों ने भी एक चीज़ किया कि वो लोग भी पूरा लाइक आ गए आप लोगों के ऊपर, पूरा लाइक रश किया और किल्स आप लोगों का ले लिया। अनफॉर्चुनेट है, नेक्स्ट मैच में अगर जब आप लोग खेलोगे शायद वो गलती आप लोगों से वापस नहीं होगा। ऑब्वियसली आप लोग काफ़ी अच्छे टीम हो और देखते हैं आप लोगों का भी क्या होता है। एनीवे हार्ड लक, सोचा किस निकाल लूंगा बट सैड, इट्स ओके ब्रो इट्स ओके, दिन का बाद है, आज किसी और का है कल आपका होगा। और हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स टेबल की तरफ बढ़ जाएंगे। रेड का टीम है विनर विनर चिकन डिनर लेते हुए, उनके लिए ओपी इन द चैट कर देना। फर्स्ट पोजी लेते हुए विद 8 frags, TNY का टीम काफी अच्छा खेला बट फर्स्ट चुके थे। सेकंड पोजी में आए हैं विद 1 frag। थर्ड यहाँ पे S2K का टीम है जो हम लोग देख पा रहे हैं काफी उमदा वो लोग खेले और उन लोगों के पास टोटल 8 frags है। और फोर्थ यहाँ पे जो टीम EBC है वो लोग है विद 1 frag। फिफ्थ यहाँ पे CC का टीम आया है विद 0 frags। सिक्स यहाँ पे ARS का टीम विद 0 frags। और सेवन यहाँ पे RL का टीम है जो मास्टरमाइंड डूब गए थे, उन लोगों का टीम है विद 0 frags। तो इसी के साथ ये मैच और ये ग्रुप खत्म होता हुआ, जो ग्रुप 26 है ये खत्म होता हुआ आप लोगों के सामने। ग्रुप 27 और 28 के मैचेस जो आने वाला टाइम है उसमें स्टार्ट हो जाएगा। 4 बजे से ग्रुप 27 का जो मैच है वो स्टार्ट होगा। पहला मैच जो उन लोगों का इरांगल का है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग जाएंगे एक ब्रेक में और मिलते हैं ब्रेक के बाद। और जो जो लोगों ने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा गाना वाना आप लोग एंजॉय कीजिए। हम लोग चलते हैं थोड़ा ब्रेक में और मिलते हैं ब्रेक के बाद।
best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me kept me afloat. Felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. Best friend to 23. I heard the heavens crying above me. They gained an angel, I lost a friend. I felt like dying again and again. I went through hell instead of death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire had burned me for now. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend. Come, it's cold and losing my control. Your light is gone and lonely darkness fill my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated.
stop this conversation. Stop this conversation. We got no relation.
The band have known each other since we were kids. We live in the same town. On the track, on my face in the back, like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight from the tap. And I'm hating the slack, couple man slide around like the hate in the gaff. Please stop talking that trash, cause the vibes in the front all the way to the back. Is that
like work, but the bass on the track on my face to the back, like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight from the time. And I'm hating the slack, couple man's on the round like the hate and the gaff. Please stop talking that trash, cause the vibes in the front all the way to the back.